चलें जी शुरू करें जी जी अभी टाइम कम है और टॉपिक जो है वो नया आ रहा है नया नहीं है कंटिन्यूटी में लेकिन बहरहाल कुछ उसमें थोड़ा सी नई चीज आएगी वो जो रूटीन से पढ़ रहे हैं उससे डिफरेंट होगा हमने एक मॉडल बनाया और मॉडल जिस नेचर का भी हो मैं फिर से जनरल मॉडल लिखूंगा और मैं कह रहा हूं मॉडल एक्चुअली जिस तरह का भी हो मैंने फिर से जनरल मॉडल लिख दिया जो भी मॉडल हो पॉइंट एक ही है कि हमने अपने मॉडल में इतना इनर्शिया इंक्लूड करना है इतना मॉडल करना है इनर्शिया को कि एट द एंड वी गेट एप्सिलॉन हियर एंड व्हाट इज मेंट बाय एप्सिलॉन इट इज अ वाइट नॉइज प्रोसेस और इस व्हाइट नॉइज प्रोसेस के अंदर तीन अजम्पशन देखे ना हमने जो भी मॉडल बनाया चाहे वो ए आर है चाहे वो ए आर वन है ए आर टू है ए आर फाइव है आर्मा है एम ए है आर्मा वन वन है आर्मा टू फोर है जो भी है एट द एंड हमने कहा एप्सिलॉन है जब एंड पे एप्सिलॉन मिलते हैं तो इसका मतलब है एप्सिलॉन व्हाइट नॉइज प्रोसेस है हमारी अजम्पशन यह है कि एप्सिलॉन व्हाइट नॉइज प्रोसेस वाइड नॉइज प्रोसेस में इसका मतलब है मीन जीरो है कांस्टेंट वेरिएंस है और तीसरी बात है ऑटो कोवेरिएंस जीरो है अब एक बात मुझे बताएं कि ये जब हम एप्सिलॉन टी प्रैक्टिकली एस्टिमेट करेंगे तो ये एप्सिलॉन हैट आएगा जब एस्टिमेट होके आएगा तो हैट होगा रेजिडुअल अब ये जो रेजिडुअल्स हैं तो याद रखें जब तक आपके मॉडल में इंटरसेप्ट होगा रेजिडुअल्स का मीन जीरो होगा इसमें कोई टेंशन की बात नहीं जब तक आपके मॉडल में इंटरसेप्ट है रेजिडुअल्स का मीन हमेशा जीरो होगा सही हो गया तो इसका मतलब है ये पहली प्रॉपर्टी तो छोड़ दो
असल बात है अगली दो प्रॉपर्टीज। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है यह सच कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है। इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड व्हेन एवर देयर इज इंटरसेप्ट इन द मॉडल। रही बात बाकी दो की कि वेरियंस कांस्टेंट है और दूसरा ऑटो कोवेरियंस जीरो है। मैं ऑटो कोवेरियंस से स्टार्ट करता हूं। आप जब भी फॉरकास्टिंग करने लगते हैं ना, ये दो चीजें जरूर आपने चेक कर ली। दिस इज डायग्नोस्टिक, जो मैं सुबह बात कर रहा था वो क्या है, ऑटो कोवेरियंस शुड बी जीरो, क्योंकि बाय अजम्पशन एप्सिलॉन इज अ वाइट नॉइज प्रोसेस, सो प्रैक्टिकली देयर शुड बी नो ऑटो कोरिलेशन इन एप्सिलॉन। इसका मतलब है अगर आपने एक मॉडल बनाया और उस मॉडल के एंड पे आपके एरर्स ऑटो कोरिलेटेड हुए, तो मॉडल की अजम्पशन ये थी कि एट द एंड आपने जो इनर्शिया उसको मॉडल कर लिया और एट द एंड यू हैव अ वाइट नॉइज प्रोसेस। जबकि आपके एरर्स के अंदर अगर ऑटो कोरिलेशन आ रही है तो इसका मतलब है आपने इनर्शिया को सही मॉडल नहीं किया। तो जब तक ऑटो कोरिलेशन है आपके एरर्स में, तब तक आप इससे फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। क्यों? अनएक्सप्लेन्ड इनर्शिया है विच इज इन द एरर टर्म। तो आपको क्या करना चाहिए, अब ये डायग्नोस्टिक कर रहा हूं आर्मा मॉडल पे, चाहे आर्मा है चाहे एआर है चाहे एमए है, एट द एंड ये आपको लाजमी करना है। अगर आपके एरर्स ऑटो कोरिलेटेड हैं, इसका मतलब है यू हैव नॉट प्रॉपरली मॉडल्ड इनर्शिया। क्यों? कुछ इनर्शिया एरर टर्म में अभी भी पड़ा है। बाय द वे क्या करेंगे आप, हमारे पास इनर्शिया के लिए और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि या वाई के लैग ज्यादा करें या एप्सिलॉन के लैग ज्यादा करें। तो इसका मतलब यह है कि जब आपके लैग्स कम होंगे तो एरर्स ऑटो कोरिलेटेड होंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ये है कि आप अपने मॉडल के एरर्स की ऑटो कोरिलेशन चेक करें। इफ दे आर अनकोरिलेटेड देन योर मॉडल इज ओके, अदरवाइज इट इज रॉन्ग, यू हैव रॉन्गली मॉडल्ड इनर्शिया। क्यों? इनर्शिया एरर में क्यों पड़ा है अगर आपने प्रॉपरली मॉडल कर लिया। तो ये टेस्ट है जो आपने करना है, और इस करने के बाद आप दूसरी बात ये कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अब मैं डायरेक्टली वो टर्म यूज करूं या कहां से चलूं, लेकिन मैं पहले सिंपल बात करता हूं। आपने कहा था वेरियंस कांस्टेंट होना चाहिए, आपका वेरियंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब इससे पहले कि मैं थ्योरेटिकली आगे चलूं, मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये, मेरे पास एक और सीरीज है SPI स्टॉक प्राइस इंडेक्स, ये एक और डेटा है और ये डेटा भी क्वार्टरली है, 72 से लेके 17 तक। क्वार्टर टू से लेके 2017। तो मैं ये करता हूं कि ईव्यूज में दोबारा जाता हूं और ईव्यूज में जाके मैं यहां पे अगर आप गौर करें ना, ये तो ये जो वर्क फाइल है, जिस तरह एक्सेल शीट के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, यहां भी डिफरेंट पेजेस हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज था, तो आप न्यू पेज पे क्लिक कर दें, नई वर्क फाइल भी ओपन कर सकते हैं, जबकि इसी में न्यू पेज भी क्लिक कर लें। तो न्यू पेज स्पेसिफाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब मैं कह रहा हूं कि डेटेड डेटा है मेरा और उसके अंदर क्वार्टरली है, और क्वार्टरली में 1971-72 क्वार्टर टू, तो कॉलन 02 अप टू 2017 कॉलन 02, उधर भी 2 ही है ना, ठीक है। तो ये मैं डेटा स्पेसिफाई कर दिया, ये हमारे पास अब ऑब्जर्वेशन 181 होंगी। फिर से वही क्विक के साथ एम्प्टी ग्रुप, और एम्प्टी ग्रुप में यहां पे जाके मैं डेटा पेस्ट कर रहा हूं।
और सीरीज का नाम है SPI. इस SPI ये स्टॉक प्राइस इंडेक्स है, इससे मैं स्टॉक रिटर्न्स निकालना चाह रहा हूं. स्टॉक रिटर्न्स के लिए मैं पहले लॉग में कन्वर्ट करता हूं. LSPI इज इक्वल टू लॉग SPI, और दूसरा मैं DLSPI इज इक्वल टू डी ब्रैकेट में LSPI लिख रहा हूं. तो इससे मेरे स्टॉक रिटर्न्स आ गए. परसेंटेज मैंने नहीं बनाया, सिंपल रिटर्न है. तो ये DLSPI आया है, इसका मैं पहले ग्राफ बनाने लगा हूं. इस ग्राफ से आपको एक चीज शो होगी. ये जो फ्लक्चुएशन है इसका मेजर वेरिएंस है, इसी का मेजर वेरिएंस होता है ना, डेविएशन फ्रॉम मीन का. तो ये इसकी मीन वैल्यू है. तो इस मीन के ऊपर नीचे ये फ्लक्चुएट कर रही है. अगर मैं इधर हाथ रख लूं तो जो इससे इधर डेटा है उसका जो वेरिएंस निकलेगा वो इससे इधर वाले डेटा के वेरिएंस के बराबर है? नहीं. बहुत क्लियरली नजर आ रहा है यहां से आगे वेरिएंस ज्यादा हो गया और एंड पे फिर वेरिएंस कम हो गया. तो इसका मतलब है ये ऐसी सीरीज है जो कभी वोलेटाइल हो जाती है, कभी स्मूथ हो जाती है. यहां स्मूथ, यहां वोलेटाइल, यहां स्मूथ, यहां वोलेटाइल, यहां फिर स्मूथ. ये सीरीज कभी वोलेटाइल हो जाती है, कभी स्मूथ हो जाती है. अब जब मैं इसको मॉडल करूंगा, बजाय इसके कि मैं दोबारा से इसे मॉडल करने शुरू हो जाऊं, मैं आपको एक सिंपल पॉइंट दे देता हूं. अगर मैं इसको मॉडल करूं आर मान, ए आर एम ए या आर मान, इन एनी केस मैं उसके वेरियंस को मॉडल कर ही नहीं रहा, मैं तो उसके ऑटो कोवेरियंस को मॉडल कर रहा हूं. आरमा इज द मॉडल ऑफ ऑटो कोवेरियंस, नॉट वेरियंस. ऐसा ही है ना, इनर्शिया क्या है? ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोवेरियंस. तो मेरा आरमा मॉडल जो से जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े वो सारे ऑटो कोवेरियंस के थे, वेरियंस का मॉडल ही नहीं था. तो मुझे ये बताएं कि जो मॉडल मैं इस डेटा के ऊपर एस्टिमेट करूंगा तो ऑटो को वेरियंस तो इनर्शिया निकालेगा, वेरियंस का मॉडल, वेरियंस वाला वो जो प्रॉब्लम है वो किधर जाएगा? वो रेजिडुअल में चला जाएगा. सही है ना, मेरा वेरियंस वो कम ज्यादा हो रहा है, मेरी सीरीज वोलेटाइल है. मैंने इस बात को लिफ्ट ही नहीं करवाई और मैं कहता रहा कि जी वेरियंस कांस्टेंट है. जब वेरियंस कांस्टेंट है तो वेरियंस कांस्टेंट अस्यूम करके जो मैंने ऑटो को वेरियंस का मॉडल बनाया तो ऑटो को वेरियंस वाला मॉडल तो हो गया, तो एरर्स आर नो मोर ऑटो को रिलेटेड. बट व्हाट्स अबाउट वेरियंस? जो वाई के वेरियंस का प्रॉब्लम था वो सीधा एप्सिलॉन के वेरियंस में चला गया, क्योंकि उसको तो मैंने मॉडल ही नहीं किया. ये पॉइंट समझ आया आपको कि जिस चीज को मैं मॉडल कर रहा हूं वो निकलेगा ना वाई में से, जिसको मैं मॉडल नहीं करूंगा वो एरर में चला जाएगा. तो जो चीज एरर में जा रही है वो वेरियंस वाली है. तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हमेशा पास नहीं होता. ऑटो को वेरियंस तो खत्म करने के लिए आप लैग बढ़ा देंगे, वेरियंस कांस्टेंट कैसे करेंगे? क्योंकि आप जितने भी लैग बढ़ा दें अगर वाई का वेरियंस कांस्टेंट नहीं है तो एप्सिलॉन का वेरियंस कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वेरियंस को मॉडल नहीं कर रहे. ये पॉइंट समझ आया आपको या नहीं आया? हाँ, देखें इनर्शिया, शुरू से ही बात कर रहा हूं इनर्शिया, ये मॉडल ही इनर्शिया का है. इनर्शिया मीन ऑटो कोवेरियंस, ऑटो कोवेरियंस का ये मॉडल है, वेरियंस का नहीं है. तो वेरियंस में प्रॉब्लम है तो वो एरर में भी चला जाएगा क्योंकि उसको हमने मॉडल नहीं किया. अब इससे एक और चीज समझे, हमने सुबह एक चीज पढ़ी थी फोरकास्ट, इंटरवल फोरकास्ट, और उससे फोरकास्ट एक्यूरेसी आती है. और इंटरवल फोरकास्ट ये था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी प्लस वन प्लस माइनस 1.96 इंटू सिग्मा. ये इंटरवल फोरकास्ट इस अजम्पशन पे है कि एप्सिलॉन का वेरियंस कांस्टेंट है सिग्मा स्क्वायर, यही है ना, तभी तो यहां सिग्मा ले रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन. ऐसा है या नहीं? तो हमारी किसों से अजम्पशन ही है. अब इसका मतलब ये है कि मैंने ये फोरकास्ट और उसमें प्लस माइनस एक एरर ऐड करके अनसर्टेनिटी इंक्लूड करके क्या निकाला है? इंटरवल फोरकास्ट. इंटरवल निकल किस से रहा है? प्लस माइनस क्या हो रहा है? 1.96 इनटू सिग्मा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो प्लस माइनस एक कांस्टेंट टर्म हो रही है, जबकि हमारा डेटा कह रहा है ये कांस्टेंट नहीं है, कभी कम होता है कभी ज्यादा हो जाता है.
अगर वेरियंस प्रैक्टिकली कभी कम कभी ज्यादा होता है तो मेरा ये इंटरवल फॉरकास्ट किस काम का है, सही? और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें आपके इन्वेस्टर एंड स्टॉक मार्केट के, ये स्टॉक रिटर्न्स का फॉरकास्ट है, ये उसकी अनसर्टेनिटी शो कर रहा है। ये अनसर्टेनिटी कहां से निकल रही है? पिछले 40 साल के डेटा से जो मेरे पास है, सही? तो 40 इयर्स में एक फॉरकास्ट है हमारे पास वेरियंस का, वेरियंस अनसर्टेनिटी का मैयर है, अनसर्टेनिटी का फॉरकास्ट है मेरे पास सिग्मा, और वो मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है, सही? आप एक बात मुझे बताएं कि एक बंदा मार्केट में तब इन होता है जब मार्केट बड़ी स्मूथ है, नॉर्मल चल रही है, और एक बंदा मार्केट में तब जाता है जब मार्केट बहुत वोलेटाइल है, दोनों का रिस्क एक जैसा है? नहीं, हमारा ये मॉडल कह रहा है दोनों का रिस्क एक जैसा है। क्यों? हमने कहा सिग्मा इज कांस्टेंट फॉर ऑल टाइम पीरियड, दुनिया इधर की उधर हो जाए सिग्मा कांस्टेंट है, वेरियंस एक ही है। वेरियंस इज मेजर ऑफ, बाय द वे वेरियंस इज नॉट मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, वो सिंपल वर्डिंग में मैं बोल देता हूं, टेक्निकल लैंग्वेज में वेरियंस इज द मेजर ऑफ रिस्क नॉट अनसर्टेनिटी। रिस्क का मेजर, रिस्क और अनसर्टेनिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है। अनसर्टेनिटी इफ समथिंग इज अनसर्टेन, रिस्क अगेन समथिंग इज अनसर्टेन बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन। So if for an uncertain event we know the probability distribution, then that is risk. तो हम risk की बात कर रहे हैं, तो risk का मतलब variance है या standard deviation है। तो point ये है कि हमने कहा risk एक जैसा है जब मर्जी invest कर दो, तो मुझे practically बताएं ऐसा हो सकता है कि हर वक्त market में risk एक जैसा? नहीं, आपको तो data सामने दिख रहा है कि एक जैसा नहीं है risk। कभी market volatile हो जाती है और कभी market smooth हो जाती है। अगर ये बात है तो मैंने इस चीज को तो कभी मॉडल ही नहीं किया। पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब है सेकंड अजम्पशन कई दफा वायलेट हो जाती है। अब जब सेकंड अजम्पशन वायलेट हो जाए तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि कोई ऐसा मॉडल बनाऊं जिसमें इस टाइम का रिस्क और हो और इस टाइम का रिस्क और हो, जो हकीकत मॉडल भी वैसा ही शो करे। तो डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट रिस्क होना चाहिए। इसके लिए एक इकोनोमेट्रिशियन है एंगल, एंजल भी बोलते हैं, उसने 1982 में एक काम किया कि आप इस चीज को कैसे मॉडल करें। ये जो वेरियंस कांस्टेंट नहीं होता, जबकि हम अपने मॉडल में ऑटो को वेरियंस को मॉडल करते रहते हैं और वेरियंस को नहीं सोच रहे, उसने कहा इसको भी आपने मॉडल। अब कैसे मॉडल? पहले उसका सिंपल मॉडल देखते हैं, फिर उसको कॉम्प्लिकेटेड मॉडल भी बनाएंगे। उसने कहा इसको मॉडल इस तरह से करें कि आपका जो वाई टी है दैट इज ए नॉट प्लस आई वेरीज फ्रॉम 1 टू पी ए आई वाई टी माइनस आई प्लस जे वेरीज फ्रॉम 0 टू क्यू, ये यहां भी 0 है, थीटा जे एप्सिलॉन टी माइनस जे, ये एक्चुअल मॉडल ये है नाम दीजिए जी, ये मॉडल है। और इसके एंड पे जो एप्सिलॉन टी आएगा, क्योंकि थीटा नॉट हमेशा हम वन लेते हैं तो एक एप्सिलॉन टी आएगा, उसने कहा कि एप्सिलॉन टी इज नॉट वाइट नॉइज, बल्कि एप्सिलॉन टी के अंदर वो प्रॉब्लम है। उसने उस प्रॉब्लम को मॉडल किया। अब कैसे किया? पहले लिख लें फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। उसने कहा है वो जो एप्सिलॉन टी है दैट इज इक्वल टू वी टी इनटू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर। उसने कहा एप्सिलॉन टी इसकी इक्वल है। ये बेसिकली उसने इस चीज का मॉडल बनाया वेरिएंस का, वेरिएंस वेरिएबल होने का। इसको लिखें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये एंगल का मॉडल है क्या कि ऊपर जो भी आर्मा मॉडल है वो है। अच्छा, ये जरूरी नहीं हमेशा पी क्यू हो, आपका हो सकता है सिर्फ ए आर वन हो। ये तो मैं जनरल मॉडल लिखता हूं ना, ए आर वन हो सकता है, ए आर टू हो सकता है, एम ए वन हो, आर्मा हो, जो भी मॉडल हो वो तो आपने लिख लिया। उसका एरर उसने कहा इसकी इक्वल है।
अब ये क्या चीज लिख दी उसने, अभी पता चल जाता है उसने क्या मॉडल लिख दिया। उसने किया ये है कि पहले इसकी अजम्पशन समझ गई, ये उसने क्या लिखा है, जो लिखा है उसकी अजम्पशन समझ गए। इस मॉडल के साथ उसकी अजम्पशन ये हैं कि v इज वाइट नॉइज प्रोसेस, एप्सिलॉन तो वाइट नॉइज नहीं था, v जो है वो वाइट नॉइज प्रोसेस है। ये पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन ये है कि vt एंड एप्सिलॉन t माइनस वन आर इंडिपेंडेंट, Vt और एप्सिलॉन t माइनस वन आपस में कोरिलेटेड नहीं, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। वैसे भी v वाइट नॉइज होगा तो ये इंडिपेंडेंस तो आएगी, वो तो वाइट नॉइज प्रोसेस किससे कोरिलेटेड हो सकता है, वो तो वाइट नॉइज रैंडम। तो भारत अजम्पशन में ये है कि ये क्या है, वाइट नॉइज प्रोसेस है। नंबर टू, दीज टू आर इंडिपेंडेंट, और नंबर थ्री, सिग्मा स्क्वायर v इज वन, जो v का वेरिएंस है वो वन है, सही। ये उसका मॉडल है एंगल का, तीन अजम्पशंस के साथ। अब सवाल ये है, उसने एरर को क्या कर दिया, उसने एरर को क्या किया, ये बता सकते हैं एरर को क्या हो गया इससे, इसमें ये कहां से आ गया, जरा देखें जो उसने एरर को किया उससे क्या होगा। नंबर वन, मीन, पहले देखते हैं मीन को क्या होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी इंटू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर रेज टू द पावर वन बाई टू। अब चूंकि हमने कहा वी टी और एप्सिलॉन टी माइनस वन आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंस की वजह से हम इसे यू लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर वन बाई टू, अलग अलग कर सकते हैं, क्यों, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है और इनको अलग अलग कर सकते हैं, तो चूंकि वी वाइट नॉइज प्रोसेस है तो इसकी तो मीन वैल्यू ना होना है जीरो, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी इज जीरो। उसने ऐसा मॉडल किया है कि एप्सिलॉन की अभी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो ही है, पहले भी जीरो थी। इसका मतलब है सिंपल बॉक्स जेनकिन मेथडोलॉजी में जो हम सब पढ़ रहे थे उसमें भी एप्सिलॉन का मीन जीरो था, अभी भी एप्सिलॉन का मीन जीरो है एंगल के मॉडल में भी। एक चीज ये पता चली। दूसरा हम देखते हैं वेरियंस को क्या होगा। तो वेरियंस में होगा एप्सिलॉन टी स्क्वायर, क्योंकि उसका मीन जीरो है ना, तो माइनस वो तो करना नहीं पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर ये किसकी इक्वल होगा, ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी इंटू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर रेज टू द पावर वन बाई टू और होल पावर टू। इसका मतलब है ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर, वजह ये फिर इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है बाय अजम्पशन, ये वन है। मैंने क्या कहा था, इसकी तीन अजम्पशन में से एक अजम्पशन ये है कि इसका वेरियंस वन है। तो अगर इसका वेरिएंस वन हो तो हमारे पास रह गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर। अब ये जो वेरिएंस है, ये वेरिएंस है अनकंडीशनल। अभी मैं कंडीशनल प्रॉपर्टीज पे भी आता हूं। तो पहले उसी तरह जिस तरह अनकंडीशनल वेरिएंस को हम कांस्टेंट लेते हैं, अगर मैं इसको कांस्टेंट करूं तो इसका मतलब है ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एप्सिलॉन टी का जो वेरिएंस है वही एप्सिलॉन टी माइनस वन का है, क्योंकि ये बात हो रही है लॉन्ग रन वेरियंस,
तो लॉन्ग रन वेरिएंस में एप्सिलॉन टी और एप्सिलॉन टी माइनस वन मैटर नहीं करता, ये शॉर्ट रन में मैटर करता है कि एप्सिलॉन टी है या एप्सिलॉन टी माइनस वन। ओवरऑल सीरीज का लॉन्ग रन वेरिएंस, जो सीरीज का वेरिएंस होता है उसमें फर्क नहीं आता। अगर उसमें फर्क नहीं आता तो इसका मतलब है ये भी वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन टी है और ये भी वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन टी है, तो ये हो जाएगा अल्फा नॉट ओवर वन माइनस अल्फा वन। अगर ये होगा तो इसका मतलब है ये भी कांस्टेंट। व्हाट्स अबाउट ऑटो कोवेरियंस? इसका ऑटो कोवेरियंस होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी माइनस एस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस एस अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर इनटू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन माइनस एस स्क्वायर। चूंकि इंडिपेंडेंस है इसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस अलग आएंगी, इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अलग आएंगी, और चूंकि हमें पता है कि वी वाइटनाइज प्रोसेस है तो वी में ऑटो कोरिलेशन नहीं हो सकता। वी में ऑटो कोरिलेशन नहीं है तो चूंकि ये जीरो होगा तो ये सब मल्टीप्लाई होके भी जीरो हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या निकला कि एंगल ने जो मॉडल बनाया वो ऐसा मॉडल है जिस मॉडल में मीन फिर से जीरो है, वेरियंस फिर से कॉन्स्टेंट है और अनकंडीशनल वेरियंस भी कॉन्स्टेंट। ऑटो कोवेरियंस जीरो है तो प्रॉपर्टीज में चेंज क्या आया एंगल की वजह से? ये तो हम सुबह से पढ़ रहे हैं, तो चेंज आया है। अगर सोचें तो चेंज एक आया है, और वो चेंज क्या है वो जरा समझना आपने। वो चेंज ये आया है कि अब अगर आप इसका कंडीशनल मीन निकालें, वो था अनकंडीशनल मीन, अनकंडीशनल वेरियंस, सही, ऑटो कोवेरियंस। अब मैं निकालने लगा हूं कंडीशनल मीन। कंडीशनल मीन का मतलब ये होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू टी माइनस वन ऑफ एप्सिलॉन टी, ये पहले था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी, अभी के नीचे t माइनस वन आ गया, ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हो गई। इस कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा et माइनस वन इंटू वी टी एंड et माइनस वन इंटू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन t माइनस वन स्क्वायर रेज टू द पावर वन बाय टू। चूंकि ये वाइट नॉइज प्रोसेस है तो इसकी मीन वैल्यू जीरो होगी, तो इसका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन भी जीरो हो गया। क्लियर? इसका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन भी जीरो है। आगे आ गया कंडीशनल वेरिएंस। नेक्स्ट पे आ गया कंडीशनल वेरिएंस। उसने एप्सिलॉन को इस तरह से मॉडल किया कि जो कंडीशनल वेरिएंस आया है वो आया है टी माइनस वन बी टी स्क्वायर, मैं यहां से लिख रहा हूं, इंटू ई टी माइनस वन अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर। ये किसकी इक्वल है? ये बाय अजम्पशन वन है, ये बाय अजम्पशन वन है, लेकिन एक फर्क हो गया आगे, इससे आगे जरा गौर करें। यहां इसको और इसको मैंने इसलिए इक्वल कह दिया था कि ये दोनों अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशंस थी, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज था। यहां पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये तो एक्सपेक्टेशंस अप्लाई होंगी, ये एक्सपेक्टेशंस इससे अप्लाई नहीं होंगी। क्यों? t-1 में एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं और t-1 की ही वैल्यू है, वो तो ऑब्जर्व हो चुकी है, तो जब वो ऑब्जर्व हो चुकी है तो वो तो एक्चुअल वैल्यू आएगी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन इंटू एप्सिलॉन t-1 स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया।
एंगल ने इस तरीके से मॉडल किया एप्सिलॉन को कि बाकी उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई और वो क्या है, इसका कंडीशनल वेरियंस कांस्टेंट हो गया। कंडीशनल वेरियंस कांस्टेंट नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कंडीशनल वेरियंस, ये हो गया एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर। तो जिस पीरियड में बड़े शॉक्स आएंगे, एप्सिलॉन शॉक्स हैं, जिस पीरियड में मार्केट में बड़े शॉक्स आएंगे उस टाइम पीरियड में स्क्वायर की वजह से, चाहे नेगेटिव शॉक्स हो चाहे पॉजिटिव शॉक्स हो, जब बड़े शॉक्स आएंगे तो स्क्वायर की वजह से कंडीशनल वेरियंस भी बड़ा हो जाएगा, और जब मार्केट में छोटे शॉक्स आएंगे कंडीशनल वेरियंस भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है कभी मार्केट स्मूथ हो जाती है तो कंडीशनल वेरियंस छोटा हो जाता है, कभी मार्केट वोलेटाइल हो जाती है तो कंडीशनल वेरियंस बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है एंगल ने वेरियंस को मॉडल कर लिया कि वेरियंस इज टाइम डिपेंडेंट, नॉट कांस्टेंट रादर इट इज टाइम डिपेंडेंट। जब जब एप्सिलॉन बढ़ेगा तब तब कंडीशनल वेरियंस भी बढ़ेगा। तो उसने दो चीजें की, तो एक बात तो क्लियर हो गई क्या कि एप्सिलॉन को इस तरह से उसने मॉडल किया कि नाउ कंडीशनल वेरियंस इज टाइम डिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एप्सिलॉन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, नंबर वन। नंबर टू, बिकॉज दिस इज अ मेजर ऑफ वोलेटिलिटी एंड दिस इज मेजर ऑफ परसिस्टेंस, कोई वेरिएबल अपने ही लैग पे डिपेंड कर रहा हो, यही तो परसिस्टेंस थी, सुबह से यही तो पढ़ रहे हैं। तो वोलेटिलिटी डिपेंड्स ऑन इट्स ओन लैग, दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी परसिस्टेंस। वोलेटिलिटी का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं जब कंडीशनल वेरियंस कांस्टेंट ना हो, इसको मैं वोलेटिलिटी कह रहा हूं कि सीरीज इज वोलेटाइल व्हेन इट्स कंडीशनल वेरियंस इज नॉट कांस्टेंट। और उस वोलेटिलिटी के अंदर एक परसिस्टेंस है, परसिस्टेंट मीन देखिए ये एप्सिलॉन टी स्क्वायर है, ये एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर है, तो वोलेटिलिटी के अंदर भी एक परसिस्टेंस है, एक इनर्शिया है, और अगर आप गौर करें तो वो इनर्शिया आपको नजर आएगा। जहां जब सीरीज स्मूथ होती है तो 10-10 साल या 5-5 साल या 6-6 साल या 2 साल या 4 साल सीरीज स्मूथ रहती है। जब सीरीज वोलेटाइल हो जाए फिर ये नहीं होता कि एक पीरियड में जंप आया और खत्म, फिर वो लगातार वोलेटाइल रहती है, फिर जब स्मूथ होती है फिर लगातार स्मूथ होती है। दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी परसिस्टेंस, कि सीरीज में अगर उतार चढ़ाव आना और बात होती है, वोलेटाइल और स्मूथ होना भी और बात होती है, लेकिन अगर एक पीरियड में वोलेटाइल दो पीरियड में स्मूथ, सिंपल ये नहीं है, जब स्मूथ तो काफी देर तक स्मूथ, जब वोलेटाइल तो काफी देर तक वोलेटाइल, दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी परसिस्टेंस। इसी चीज को एंगल ने मॉडल किया है, नॉट ओनली कंडीशनल वेरियंस इज वेरिएबल, इट इज परसिस्टेंट एज वेल, टाइम डिपेंडेंट भी हो गया और परसिस्टेंट है, यानी कि उसमें एक इनर्शिया है वोलेटिलिटी के अंदर भी। ये बात समझ आ गई। अब जो ये मिला के दो मॉडल्स बने एंगल क्या, ये दो इक्वेशंस का मॉडल बन गया। पहले हम मॉडल लिखा करते थे सिंपल आर्मा, आज मैंने कहा है आर्मा विद वोलेटिलिटी परसिस्टेंस, विद वोलेटिलिटी परसिस्टेंस। अब एक बात मुझे बताएं, volatility is measured by variance, conditional variance, ऐसा ही है। और conditional variance में unconditional variance से different क्या है, time। जब मैं बात करता हूं conditional variance, इसका मतलब है it is time dependent variance। clear हो गया ये बात, पूरे words आपने सारे समझने हैं। मैं क्या क्या बोल रहा हूं, volatility mean variance is not constant, कौन सा वेरियंस, टाइम डिपेंडेंट वेरियंस जिसको हम कंडीशनल वेरियंस कहते हैं, कंडीशनल वेरियंस। और जब वेरियंस कांस्टेंट ना रहे हम क्या कहते हैं, हमारे एरर हेट्रोसिकेडास्टिक, ऐसा ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एरर्स हेट्रोसिकेडास्टिक हैं। कब, जब वेरियंस कांस्टेंट ना रहे, और वेरियंस कौन से वाला है, कंडीशनल टाइम वेरियंस, इसका मतलब है इसको हम बोलेंगे कंडीशनल हेट्रोसिकेडास्टिसिटी, दिस इज कॉल्ड
टाइम डिपेंडेंट हेट्रोसेकेडास्टिसिटी। नॉर्मली तो हेट्रोसेकेडास्टिसिटी क्रॉससेक्शनल डेटा में आती है, लेकिन ये ऐसी वोलेटिलिटी कंडीशनल वेरियंस वाला प्रॉब्लम ऐसा है जो टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि वक्त के साथ डिपेंड करता है कंडीशनल वेरियंस। तो चूंकि वेरियंस कांस्टेंट नहीं है तो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं हेट्रोसेकेडास्टिसिटी, और चूंकि वो वेरियंस टाइम रिलेटेड हो गया, टाइम डिपेंडेंट हो गया, टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कंडीशनल हेट्रोसेकेडास्टिसिटी है। अब अगली बार उस कंडीशनल हेट्रोसेकेडास्टिसिटी का मैंने मॉडल ऐसा बनाया है जैसे AR1 हो, एंगल बनाया मैंने नहीं बनाया, लिखा मैंने कैसा लिखा है जैसे ये AR1 हो, तो दिस इज एन AR1 मॉडल ऑफ कंडीशनल हेट्रो, ऐसा नहीं है। तो एंगल ने किया ये है कि वोलेटिलिटी परसिस्टेंस को कैप्चर करने के लिए कंडीशनल वेरिएंस को AR1 मॉडल बनाया इस इक्वेशन के थ्रू, सही हो गया। तो अब जरा गौर करना, दिस इज कंडीशनल हेट्रो प्लस AR1 मॉडल, इन दोनों को मिलाएं तो हमारा मॉडल बन जाता है ARCH1 प्रोसेस, ऑटो रेग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसेकेडास्टिसिटी ऑफ ऑर्डर 1, ऑटो रेग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसेकेडास्टिसिटी ऑफ ऑर्डर 1। ये है क्या? कुछ भी नहीं है। सुबह जो आपने पढ़ लिया उसके बाद तो ये कुछ एडिशनल नहीं है क्या? आपने कहा AR1 मॉडल पहले Y पे बनता था, अब कंडीशनल वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन पे बन गया, बस इतनी सी बात। सुबह हमारी अजम्पशन थी कि एप्सिलॉन का वेरियंस कांस्टेंट है, अभी हमारी अजम्पशन बदल गई कि नहीं वो वेरिएबल हो सकता है क्योंकि हमने डेटा ऐसा देख लिया। तो जब ऐसा हो सकता है तो फिर बस सही है, उसको मॉडल कर लें, और परसिस्टेंस का मॉडल चूंकि AR हो सकता है तो हमने AR1 बना दिया। जब हमने ये बना दिया, अब इससे पहले के आगे चलूं एक बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या जरूरी है कि ये AR1 ही हो? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कितने पीरियड तक परसिस्टेंस चलती है। नहीं, तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, क्या कि YT इज एन आर्मा प्रोसेस विद एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू वी टी इन टू अल्फा नॉट प्लस सम ऑफ अल्फा आई एप्सिलॉन टी माइनस आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to Q। एक पीरियड क्यों? जब परसिस्टेंस आई गई तो 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड तक जा सकती है, तो जितने पीरियड के लिए भी जाएगी वो सारे इस इक्वेशन में आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर अब आप इसका कंडीशनल वेरिएंस निकालेंगे तो वो ये रह जाएगा जो स्क्वायर रूट के अंदर है, और जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो ARQ प्रोसेस है। क्योंकि ये ARQ प्रोसेस है, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज ARCH Q प्रोसेस। ये क्या हो गया? ARCH Q प्रोसेस। सही हो गया। इसका मतलब है दोबारा AR मॉडल पढ़ लिया हमने। फर्क क्या किया है? ये अब वेरिएंस का मॉडल है, Y का मॉडल नहीं है। वो मीन मॉडल था, ये सेकेंड मोमेंट का मॉडल है, ये वेरिएंस का मॉडल है। ये फर्क है, ये भी AR मॉडल। सही हो गया। अब एक बात मुझे बताएं कि सपोज ये 10 लैग्स आ रहे हो तो क्या करेंगे? अगर ये 10 लैग्स आ रहे हो तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली अगर हम इसी को लेके चलते रहे तो 10 पैरामीटर ये, 11वां ये, कितने ऊपर पैरामीटर जाएंगे? हम तो इतने पैरामीटर्स की अनसर्टेनिटी डालते रहे तो ये तो हमारे सर पे प्रॉब्लम ही है, एस्टिमेशन एरर बढ़ता जाएगा। तो हमने सुबह डिफरेंस इक्वेशन से ये प्रूव किया है कि आप AR को MA में कन्वर्ट कर सकते हैं और MA को AR में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर आपका हायर ऑर्डर भी हो तो दूसरा मॉडल लोअर ऑर्डर हो जाता है, पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। तो वो फार्मूला यहां भी अप्लाई कर ले। कैसे अप्लाई करें? वो ऐसे अप्लाई करें
कि आप कहें कि जो YT है वो तो अभी भी उसी तरह का कोई आर्मा मॉडल है जैसे सुबह था, जो भी आर्मा का मॉडल, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, बार बार मैं लिखने का, बाकी तो कोई आर्मा का मॉडल ही होगा, ए आर मॉडल है, एम ए है, आर्मा है, जो भी। जो एप्सिलॉन टी है वो मैं कह रहा हूं वी टी इंटू एच टी है, थोड़ा सा मैंने बदल दिया मसला, इसके लैग्स कम करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लैग्स कम कर रहा हूं और कुछ नहीं, ये याद रखना, ये सुबह पढ़ा था लैग्स कम करने का तरीका। मैंने आपको कहा था अगर ए आर का एट ऑर्डर आ जाए तो आर्मा वन वन कर ले तो वो अक्सर उसकी डायनेमिक्स कैप्चर कर लेता है, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि जो इसके अंदर लिखा जाता है उसको मैंने एच टी कह दिया। बाय द वे एच टी मैं किसको कह रहा हूं, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इनिशियली तो एंगल के मॉडल में एच टी ये था, ये इसको मैं एच टी कह रहा हूं। अगर इसकी बजाय मैं ये कर दूं कि दिस इज अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन प्लस बीटा वन इंटू एच टी माइनस वन, एरर के स्क्वायर के लैग्स और एच का अपना लैग ये भी डाल दूं तो ये उसी तरह का मॉडल बन गया जैसे आर्मा मॉडल होता था, वाई के अपने लैग और वाई के एरर के लैग, एच का अपना लैग और एरर स्क्वायर का लैग, दो इकट्ठे कर दिए। किस लिए किए, ये बार बार ध्यान में रखें, किस लिए किए, सिर्फ इस वजह से किए इसके लैग्स बहुत ज्यादा हो गया तो पैरामीटर्स बहुत हो जाएंगे एस्टिमेशन के लिए। पैरामीटर्स को कम करने का तरीका यह है कि एमए टर्म्स डाल देते हैं। वहां वो एमए टर्म्स मैं कैसे डाल रहा हूं कि एज के अपने लैग्स और जो ऑलरेडी ए आर वन प्रोसेस बनाया था एंगल ने वो एवरेजेस। अगर आप यहां ए आर एट तक भी गया तो हो सकता है यहां पर तीन पैरामीटर से आपका काम चल जाए, सही है ना, छोटा सा डिफरेंस ले जाए क्या कि एच टी सिर्फ एप्सिलॉन टी स्क्वायर के लैग्स पे नहीं डिपेंडेंट, अपने लैग पे भी डिपेंडेंट, यानी कि ये आर्मा टाइप मॉडल है। सो दिस वाज एआर ऑफ द आर्मा, एआर ऑफ द कंडीशनल हेट्रो, दिस इज आर्मा ऑफ द कंडीशनल हेट्रो, वो था एआर ऑफ द कंडीशनल हेट्रो, ये मॉडल बन गया आर्मा ऑफ कंडीशनल हेट्रो, सही। तो उसका नाम मैंने क्या लिखा था, आर, इसका नाम है गार्च, दिस इज गार्च वन वन, सिर्फ पैरामीटर्स काम किए और कुछ नहीं किया। अच्छा बाय द वे इसका अगर मैं कंडीशनल वेरिएंस लूं तो क्या आएगा, हमने पहले प्रूफ किया है जो इसके अंदर होता है वही है, तो एच टी इज द कंडीशनल वेरिएंस, एच टी इज द कंडीशनल वेरिएंस, क्यों, थोड़ी देर पहले मैंने कंडीशनल वेरिएंस निकाला था वो इसी की इक्वल आया था जो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहां भी जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसी को मैं कह रहा हूं कि वो हमारा कंडीशनल वेरिएंस। इसका फायदा क्या हुआ ये सारा काम करने का, एंगल ने ऐसा क्यों कर दिया, इसका हमें फायदा होता है, फायदा समझना आप क्या, फायदा समझना आप, पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना फिर मैं अगले पॉइंट पे जाता हूं। फायदा ये हो गया है कि अब हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं। व्हाट इज एच टी, एच टी इज द वेरिएंस, अगर आप इसे एच टी प्लस वन कर दें तो वो जाएगा अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एप्सिलॉन टी स्क्वायर प्लस बीटा वन एच टी। अब अगर इसकी एक्सपेक्टेशंस ले लें तो वो हो जाएंगी अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन
into epsilon t square plus beta 1 into ht. ये मेरे पास क्या आ गया है, फोरकास्ट ऑफ एच टी. वजह यह है कि ये टी पीरियड की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है और टी पीरियड की वैल्यूज तो नोन है, टी प्लस वन की अननोन है. जब ऐसा होगा तो इस सारे काम से फाइनली मुझे क्या फायदा होगा, कंडीशनल वेरियंस फोरकास्ट हो गया, फिर क्या होगा. अब कंडीशनल वेरियंस फोरकास्ट होने का मतलब यह है कि ये जो फोरकास्टेड वैल्यू आएगी, ये तो पॉपुलेशन के लिए ना, प्रैक्टिकली तो हमारे पास आएगी एच टी प्लस वन है. अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो ये क्या था, कंडीशनल वेरियंस. उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन. जब ये मेरे पास आ गया तो अब मेरा जो इंटरवल फोरकास्ट था जिसको मैं यू लिख रहा था कि सिग्मा कांस्टेंट है, अब वो हो गया है वाई टी प्लस वन प्लस माइनस 1.96 इंटू एच टी प्लस वन स्क्वायर रूट. ये डिफरेंस है बेसिक कि पहले एक अनरियलिस्टिक मेजर से मैं इंटरवल फोरकास्ट निकाल रहा था, एक्चुअल में वोलेटाइल सीरीज हो जाती है और कभी स्मूथ हो जाती है. मैं अस्यूम कर रहा था हमेशा वेरियंस एक जैसा होता है, मैं वोलेटाइल मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट कर दूं या मैं नॉर्मल मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट कर दूं, मेरे लिए रिस्क एक जैसा है. बड़ी अनरियलिस्टिक अजम्पशन. अब ये जो फोरकास्ट आया रिटर्न का, इसके अंदर डिपेंड करता है कि आप वोलेटाइल मार्केट में इन होंगे तो उस वक्त कंडीशनल वेरिएंस बड़ा होगा, आप स्मूथ मार्केट में एंट्री डालेंगे उस वक्त कंडीशनल वेरिएंस छोटा होगा. तो ये आपके रिटर्न की जो रिस्क कैलकुलेट कर रहा है वो टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, ये डिफरेंस है. ठीक हो गया. सवाल यह, इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे. तो करना ही है, कुछ तो पता होना चाहिए. देखें, एप्सिलॉन जो है ना, एप्सिलॉन आप इसको अब जरा एस्टिमेशन मेथडोलॉजी को फोकस किया करें. एस्टिमेशन मेथडोलॉजी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इंपोज होती व्हेन यू एस्टिमेट द मॉडल थ्रू ओएलएस. OLS में हम ये करते हैं कि epsilon t एक residual है और residual sum of square minimize हो रहा है, that's it. epsilon error है, तो regression के बाद जो residual आएगा उसका residual sum of square minimum होगा. वो जो minimize आएगा residual sum of square जिन parameter values के ऊपर, वो हमारे OLS estimates हो गए. तो इसका मतलब है practically we didn't put any restriction on epsilon, we just minimized रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. तो फिर ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, एप्सिलॉन इस प्रोसेस से जनरेट हो रहा है, अगर हम ओएलएस से ये मॉडल एस्टिमेट करें, उसमें ऑप्शन ही नहीं है कि आप ये रिस्ट्रिक्शन पुट कर सके कि भाई एप्सिलॉन इस प्रोसेस से जनरेट होगा. सही. और ओएलएस से आप करना चाहें तो एक तरीका कर सकते हैं, क्या, पहले ये इक्वेशन एस्टिमेट कर लें, उससे रेजिडुअल्स निकाल लें, उस रेजिडुअल्स की बेस पे ये रिग्रेशन एस्टिमेट कर लें. ये टू स्टेप मेथड आप ओएलएस से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा टू स्टेप मेथड जो है दैट शुड बी डिस्करेज. टू स्टेप मेथड के बहुत सारे प्रॉब्लम. कैसे, नंबर वन, जो प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप में आता है, अगर आपका कोई स्पेसिफिकेशन एरर है तो उस एरर दूसरे में क्यूमुलेटिव हो जाएगा, यानी कि ऑलरेडी दूसरे स्टेप का एरर और पहले स्टेप का एरर उसमें जा रहा है. दूसरी बात, जब आप ये मॉडल एस्टिमेट कर रहे होंगे, आपकी अजम्पशन ये है कि वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, और जब आप वो कर चुकेंगे आप कह रहे हैं नहीं, वो तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो मैं कंप्यूटर को दाव लगा रहा था, यानी कि वो और अजम्पशन पे मॉडल एस्टिमेट हो रहा है, नीचे वाला और अजम्पशन पे होगा. तो हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जिसमें आप एप्सिलॉन का एवोल्यूशन प्रोसेस इंपोज कर सकें. तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम यही तो करते हैं,
तो उसमें हम एप्सिलॉन को मॉडल कर सकते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका सिग्मा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सही है ना, यही चीज उसमें पुट कर रहे होते हैं, तो वो आप ये कंडीशन इम्पोज कर दें कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर यूज करना पड़ेगा आज का, और उसके लिए ये भी याद रखें दैट इज नॉट अ टू स्टेप प्रोसीजर, बल्कि हम कह रहे हैं कि इस मॉडल के अंदर एप्सिलॉन की अजम्पशन ये है, तो अगर अजम्पशन ये होगी तो इसका मतलब है वो वन स्टेप में दोनों मॉडल एस्टिमेट हो जाएंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली यहां पे करते हैं। हाँ, एक चीज और पहले कर लें, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे मॉडल के अंदर ये कोई आर्च गार्ड का चक्कर है। एक तरीका तो ये है, इस तरह का ग्राफ हमें बता देगा कि मसला है, लेकिन ये तो बड़ा क्रूड मेथड है ना, हमारी आंख धोखा खा सकती है, देख के हम हो सकता है सही जज करें, हो सकता है सही जज ना करें, तो हमारे पास कोई मेथड होना चाहिए प्रॉपर, सही हो गया। तो मेथड्स दो है ये डिटेक्ट करने के लिए कि वाकई ये आर्च की तरफ आपको जाना भी चाहिए या आर्मा काफी है। इसके दो तरीके से डिटेक्शन मेथड, फर्स्ट है, इसके बाद फिर मैं यूज करता हूं, फर्स्ट है कोरेलोग्राम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल्स ऑफ आर्मा मॉडल। जो आपने आर्मा मॉडल बनाया था उसके रेजिडुअल के स्क्वायर का कोरेलोग्राम बनाए। पहले हम कोरेलोग्राम बना रहे थे या वाई का या ऑटो कोरिलेशन चेक करने के लिए एप्सिलॉन का, अब वो कह रहे नहीं है एप्सिलॉन स्क्वायर का कोरेलोग्राम बना। अगर एप्सिलॉन स्क्वायर में आपको कोई स्पाइक सिग्निफिकेंट नहीं आता, जैसे वो सुबह कोरेलोग्राम से मुराद क्या है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बनाए और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बनाए, लेकिन किसका, एप्सिलॉन स्क्वायर का, किसका, एप्सिलॉन स्क्वायर का। तो अगर एप्सिलॉन स्क्वायर, देखिए ना बार बार बात तो एक ही हो रही है, वोलेटिलिटी परसिस्टेंस, वोलेटिलिटी एप्सिलॉन स्क्वायर से निकाल रहे हैं और उसकी परसिस्टेंस कोरेलोग्राम से निकाल रहे हैं। तो अगर एप्सिलॉन स्क्वायर की कोरेलोग्राम में कोई भी ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट या पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट आता है, इसका मतलब है वोलेटिलिटी परसिस्टेंस है। और वो टेस्ट कैसे करेंगे, क्यू टेस्ट से, जो सुबह पढ़ा था, तो वो भी क्यों देखा था, तो वही प्रोसीजर है, सारा वही है। तो सारे के सारे पार्शियल ऑटो कोरिलेशन और ऑटो कोरिलेशन अगर जीरो हो जाएं, किसके, एप्सिलॉन स्क्वायर के, तो देन देयर इज नो आर्च। आपको फोरकास्टिंग करनी चाहिए सिंपल आर्मा से। और अगर कोई भी सिग्निफिकेंट आ गया, क्या एसी या पीएसी सिग्मा स्क्वायर का, तो इसका मतलब है सिग्मा स्क्वायर के अंदर परसिस्टेंस है, ऑटो कोरिलेशन है, जो कि वोलेटिलिटी परसिस्टेंस की निशानी है। तो आपको आर्च या गार्च मॉडल बनाना चाहिए। अच्छा, आर्च और गार्च का अलग टेस्ट नहीं है, टेस्ट एक ही है। क्यों, गार्च का काम पैरामीटर्स कम करना है, अदरवाइज थ्योरी में आर्च ही है, गार्च का तो एक ऑब्जेक्टिव है, अदरवाइज आर्च है। तो आर्च का प्रोसेस समझ आ गया, मैं करके दिखाऊंगा क्या, कि अगर आपके सिग्मा स्क्वायर के अंदर कोरेलोग्राम में एसी या पीएसी कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं आता, तो इसका मतलब है वोलेटिलिटी परसिस्टेंस नहीं है, तो आर्मा मॉडल बनाना चाहिए। और अगर वो सिग्निफिकेंट एक भी आ गया तो वोलेटिलिटी परसिस्टेंस है, देन यू शुड गो फॉर आर्च, आर्च, ठीक हो गया। ये तो हो गया एक प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर है एलएम, आर्च एलएम टेस्ट। आर्च एलएम टेस्ट यह है कि एस्टिमेट बेस्ट फिट आर्मा मॉडल, यानी कि अपनी तरफ से तसल्ली करने के कौन सा आर्मा मॉडल फिट होता है आपकी सीरीज पे, जो भी आर्मा मॉडल फिट होता है, यानी कि जो डायग्नोस्टिक पढ़े, जो हमने प्रोसीजर्स पढ़े, बॉक्स जेंकिन मेथडोलॉजी पढ़ी, जो आपने किया कर लें, जो आर्मा मॉडल फिट होता है कर लें। और उसमें से
एप्सिलॉन टी हैट निकालें, यानी कि उसके रेजिडुअल्स निकालें। सेकेंड स्टेप में एस्टीमेट एन ऑक्सिलरी रिग्रेशन, एक एक्स्ट्रा रिग्रेशन एस्टीमेट करें, और वो क्या है? वो ये है कि इस एप्सिलॉन टी हैट का स्क्वायर जो है वो इसके लेग्स पे रिग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूं क्या कर लें। एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन एस्टीमेट कर लें और फिर एक नल हाइपोथेसिस टेस्ट करें। अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा क्यू ऑल आर जीरो, और अल्टरनेट में कि एटलीस्ट वन ऑफ अल्फाज इज नॉट जीरो। क्या किया हमने? आर्मा मॉडल एस्टीमेट किया, आर्मा मॉडल से रेजिडुअल लिया, रेजिडुअल के स्क्वायर को अपने लेग्स पे रिग्रेस कर लिया, और हाइपोथेसिस बना लिया कि सारे लेग्स का इफेक्ट जीरो है, और अल्टरनेट बना दिया कि एटलीस्ट वन लेग इफेक्ट इज नॉन जीरो। टेस्ट कैसे करेंगे? ये जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन है इसके अगर आर स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई कर दें, या ये जो कोफिशिएंट्स को मैंने जीरो किया है ना, इस रिग्रेशन के आर स्क्वायर को सैंपल साइज टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो स्टेटिस्टिक आएगी इट हैज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद फ्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या है? आपने आर्मा मॉडल किया, आर्मा से रेजिडुअल निकाले, रेजिडुअल के स्क्वायर को अपने लेग्स पे रिग्रेस किया, हाइपोथेसिस टेस्ट किया, सारे लेग का कोफिशिएंट जीरो है, और मैं ही कह रहा हूं कि उस रेग्रेशन का जो आर स्क्वायर है, क्योंकि आप सारे जीरो कर रहे हैं ना, तो इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट टी इंटू आर स्क्वायर इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड विद क्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और इसी टी इंटू आर स्क्वायर को एल एम स्टैट्स बोलते हैं, लैग्रैंज मल्टीप्लायर टेस्ट। दिस इज लैग्रैंज मल्टी, इसकी एक अपनी थ्योरी है लैग्रैंज मल्टीप्लायर टेस्ट की, वो मैं अभी थ्योरी में नहीं जा रहा, मैं तो सिंपल उसका यूज बता रहा हूं। तो अगर आपका टी इंटू आर स्क्वायर क्रिटिकल काई स्क्वायर से बड़ा आ गया तो आप नल रिजेक्ट करेंगे, और नल रिजेक्ट करने का मतलब यह है कि लैग डिफेक्ट है, लैग डिफेक्ट है तो आर्च इफेक्ट है। इस मॉडल का नल हाइपोथेसिस है नो आर्च, इस मॉडल का नल हाइपोथेसिस है नो आर्च। सही हो गया? और मॉडल नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है आर्च। अब ये करने के बाद मैं इसकी एस्टिमेशन थोड़ी देर करता हूं ताकि थोड़े कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक भी आए। अब इसकी एप्लीकेशन करते हैं। लें जी, मैंने जो नया मॉडल बनाया सबसे पहले इसकी कोरेलोग्राम बनाऊंगा। क्यों? वजह बता सकते हैं कोरेलोग्राम क्यों बनाने लगा हूं? अभी तो हमने पढ़ा स्क्वायर एरर की कोरेलोग्राम बनानी है, इसलिए कि मैंने तो अभी आर्मा मॉडल ही नहीं फिट किया इस वेरिएबल पे। गेस करें जी। अभी तो हम परसिस्टेंस में नहीं जा रहे, अभी जस्ट आर्मा मॉडल गेस कर रहे हैं कौन सा है। ये AR1 मॉडल। वजह ये है कि हमेशा ये पहला तो होता है बराबर, उसके बाद कौन जल्दी जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर पीएसी ज्यादा स्पीड से कन्वर्ज करे, क्योंकि पीएसी की थ्योरी है कि AR1 के केस में दूसरी वैल्यू जीरो होती है, इसकी भी दूसरी वैल्यू जीरो लेकिन मार्जिन पे है, थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंज करूं तो दूसरा भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहां तो क्लियरली एक ही सिग्निफिकेंट है, बाकी सब जीरो है। तो यही तो सबको पढ़ा था, ये AR1 मॉडल की निशानी है। चले मैं AR1 मॉडल एस्टिमेट कर, ये बात यह है कि मैंने ये कहा था कि अगर आपका मॉडल AR1 होगा तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फर्स्ट के अलावा बाकी सारे जीरो होंगे, जबकि ऑटो कोरिलेशन 1, 2, 3, 4, 5 तक भी सिग्निफिकेंट, 10 भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या 2 हैं तकरीबन, या ये अगला ले लें तो, अदरवाइज ऐसा नहीं। तो ये
है, वैसे ये बहुत क्लियर केस नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं इसको ए आर वन ही मानूंगा। ये वैसे सुबह कर लिया होता तो इसमें एम ए वन भी आ सकता है और ए आर वन भी, लेकिन चलें हम अपना मॉडल एस्टिमेट करते हैं। इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव कहीं और है। मॉडल कैसे एस्टिमेट करूंगा, डी एल एस पी आई स्पेस सी स्पेस ए आर वन। बहुत क्लियरली सिग्निफिकेंट है और ये प्रॉपर मॉडल हुआ है ए आर वन। सुबह वाला तो बड़ा हमने जबरदस्ती से किया, यहां पे तो ए आर वन प्रॉपर मॉडल है। और बाय द वे मैं अगर ए आर वन की जगह वैसे टेस्ट करने के लिए एम ए वन कर दूं तो मुझे शक है उसका भी हो सकता है। देखें हो एम ए वन भी है, तो ये दो अब कंपीटिंग मॉडल्स हैं। मैं करूंगा ए आर वन ही क्योंकि मुझे कोरेलोग्राम से भी अंदाजा हो रहा था ना कि ए आर वन है। मॉडल की सिग्निफिकेंस को सिर्फ देखें, अच्छा सिर्फ सिग्निफिकेंस पे नहीं जाना, पहले प्लॉट भी तो किया है ना हमने, हमने कोरेलोग्राम भी तो देखी है, ये सारी चीजें इकट्ठी करनी होती है। तो कोरेलोग्राम से मुझे ये समझ आया था ए आर वन है, लेकिन मैंने वैसे ही देखाया कि अगर मैं एम ए वन भी करूं तो भी ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन मैं ए आर वन बनाऊंगा। चलिए मैं ए आर वन बना लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं ए आर वन बना लेता हूं। सवाल ये, मैं इसे फोरकास्टिंग करूं कि ना करूं? मैंने यार वन मॉडल बना लिया, कोरेलोग्राम से देख लिया, इधर से सिग्निफिकेंट भी आ गया, मुझे इससे फोरकास्टिंग करनी चाहिए अब या नहीं करनी चाहिए? बात ये है कि मैं इससे फोरकास्टिंग तब करूंगा जो सुबह तो मैंने डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं पढ़े थे, अभी तो पढ़ लिए, पहले तो मैं वो करूंगा। क्यों? अगर इसके अंदर इनर्शिया अभी भी अनएक्सप्लेन पड़ा है तो मेरे तो फोरकास्ट डेफिनेटली पुअर होंगे। तो मैं क्या तरीका करूं? डायग्नोस्टिक में मैंने दो ही दो चीजें आपको कही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरर्स शुड नॉट बी ऑटो कोरिलेटेड, ऑटो कोवेरियंस शुड बी जीरो। तो ऑटो कोवेरियंस चेक कर लेते हैं। अब इसका ऑटो कोवेरियंस कहां से चेक करें? इसके रेजिडुअल में। रेजिडुअल के चेक करने का तरीका यह है कि इस रेग्रेशन के व्यू में जाएं, रेग्रेशन के व्यू में जाएं, और व्यू के अंदर है रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स, और उसके अंदर फिर ऑप्शन आ रही है कोरेलोग्राम क्यू स्टेटिस्टिक्स। अब ये ए आर वन मॉडल के रेजिडुअल का कोरेलोग्राम बनाएगा। ये जो लैग्स कहता है ना, ये लैग जितने भी हो आप कर लिया करें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। कहीं लैग्स हमें स्पेसिफाई करने होते हैं जैसे ए आर के या एम ए के, ये कोरेलोग्राम के लैग्स जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ले जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्यू स्टैट्स की प्रोबेबिलिटी देखते जाएं, सारी के सारे इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है हमारा ए आर वन मॉडल की कोई रिमेनिंग इनर्शिया नहीं है रेजिडुअल। तो पहला डायग्नोस्टिक क्लियर, समझ आ गई? दूसरी, ये पहला डायग्नोस्टिक समझ आ गया ना? आप चाहें तो फॉर्मल ऑटो कोरिलेशन के टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे एलएम टेस्ट है, ब्रिज पैगान टेस्ट है, जो भी फॉर्मल टेस्ट हैं कर सकते हैं। लेकिन यहां से मुझे अंदाजा हो रहा है कि कोई भी, ये क्यू स्टैट्स भी तो बेसिकली ऑटो कोरिलेशन का ही टेस्ट है ना, तो एरर्स के अंदर ऑटो कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब है ए आर वन मॉडल प्रॉपर डायनेमिक्स कैप्चर कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये देखें, ये जो रेग्रेशन वाले रिजल्ट्स हैं इन पे मैंने वापस जाना हो तो स्टैट्स को क्लिक करते हैं। पहले मैं व्यू में गया, रेजिडुअल डायग्नोस्टिक में गया, कोरेलोग्राम में गया, अगर मैं स्टैट्स क्लिक कर दूं तो वापस रेग्रेशन रिजल्ट्स आ जाएंगे। और इसके साथ एक ऑप्शन है रेजिड्स, अगर मैं रेजिड्स को क्लिक कर दूं तो मेरे सामने ये चीज आ जाएगी। ये चीज खतरनाक है, ये क्या है? खतरनाक है। बता सकते हैं क्यों? ये इसलिए खतरनाक है कि रेजिडुअल्स के अंदर वही वोलेटिलिटी नजर आ रही है जो ओरिजिनल सीरीज में आ रही है या नहीं। ये देखें, यहां तक वेरिएंस कम, यहां वेरिएंस ज्यादा, यहां वेरिएंस कम, ऐसा ओरिजिनल सीरीज में भी था। ये मैं पॉइंट बार बार फोकस कर रहा था कि आर्मा मॉडल वेरियंस को मॉडल ही नहीं करता, तो जो वेरियंस का प्रॉब्लम है सारा रेजिडुअल में चला जाएगा।
और वो देख लें चला गया, ये प्रॉब्लम है। तो अगर इन एरर्स के साथ आप फोरकास्ट करेंगे ना वाई को, फोरकास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फोरकास्ट का जो इंटरवल बनाएंगे उस इंटरवल में प्रॉब्लम आएगा, फोरकास्ट अनसर्टेनिटी में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि आप अजम्पशन ये लेते हैं जो गलत है, एक्चुअल अजम्पशन ये होनी चाहिए, इससे फोरकास्टिंग होनी चाहिए। तो चलें, मुझे एक तरीका तो समझ आ गया ना क्या, कि मेरे रेजिडुअल के अंदर ऑटोकोरिलेशन नहीं है, लेकिन मेरे रेजिडुअल का वेरिएंस मुझे इंडिकेट कर रहा है कि एरर का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। अब इसका एक फॉर्मल टेस्ट भी है, और फॉर्मल टेस्ट वो लिखा हुआ है कि कोरेलोग्राम चेक करें स्क्वायर्ड एरर्स की। तो मैं फिर से स्टैट्स में जाता हूं, ये मेरी रिग्रेशन है जो कि AR है। अच्छा, ये स्टैट्स में वापस आके आगे जाना जरूरी नहीं है, ये मैं उसको वापस लाता हूं आप लोगों को कि वापस आ जाएं, उस ख्याल से बाहर निकल आए। क्या है ये? मेरे पास दोबारा से सिंपल मॉडल है। वोलेटिलिटी परसिस्टेंस का एक तरीका ये है कि आप रेजिडुअल की डायग्राम चेक करें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि एरर का वेरियंस एक जैसा है या एक जैसा नहीं है। मुझे नजर आ रहा है एक जैसा नहीं है। खैर, हम फॉर्मल टेस्ट पे चले जाते हैं। फॉर्मल टेस्ट का ये तरीका है कि व्यू में जाएं, रेजिडुअल डायग्नोस्टिक, और उसके अंदर ऑप्शन आ रही है कोरेलोग्राम स्क्वायर्ड रेजिडुअल्स। ये वो जो पहला मेथड मैंने लिखा है, कोरेलोग्राम स्क्वायर्ड रेजिडुअल्स, ये बताएगा कि आपके मॉडल के अंदर वोलेटिलिटी परसिस्टेंस है या वोलेटिलिटी परसिस्टेंस नहीं है। आपको याद दिलाने के लिए मैं पहले कोरेलोग्राम क्यू स्टैट्स की दोबारा बनाने लगा हूं, हालांकि हम ये बना चुके हैं। क्या आई थी? कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इसी के अंदर जब मैं रेजिडुअल के स्क्वायर का वेरिएंस बनाता हूं तो प्रोबेबिलिटी को देखें और उधर से इसको देखें, सिग्निफिकेंट है या नहीं है? है। एक भी सिग्निफिकेंट हुआ तो वोलेटिलिटी परसिस्टेंस हो गई। सही है। अब मैं जो आपको सुबह एक सेंटेंस मैंने बोला था कि ऑटो कोरिलेशन जीरो होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंस की, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अभी वो केस सामने आ गया है। क्या ये अजीब सा केस है? इसको समझें। क्या कि एप्सिलॉन टी और एप्सिलॉन टी माइनस वन आपस में अनकोरिलेटेड हैं, लेकिन एप्सिलॉन टी स्क्वायर और एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर आपस में कोरिलेटेड है। ऐसा ही है ना? मैं रेजिडुअल की कोरेलोग्राम बनाता हूं तो कोई एक भी सिग्निफिकेंट नहीं आता, मैं उसी के स्क्वायर की कोरेलोग्राम बनाता हूं तो इतने सारे सिग्निफिकेंट आ गए। अब याद रखें, जब ये दोनों कोरिलेशन हम चेक करते हैं इन दोनों का, तो इसका मतलब है हम उनकी इंडिपेंडेंस चेक कर रहे हैं थ्रू फर्स्ट मोमेंट, और जब हम इनके स्क्वायर की, जो कि एक्चुअली इनके वेरियंसेस हैं, इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इनके वेरियंसेस हैं, जब हम उनके थ्रू इनका रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं तो हम इनकी इंडिपेंडेंस चेक कर रहे हैं थ्रू सेकेंड मोमेंट। तो ये ऐसी सीरीज है जो फर्स्ट मोमेंट से इंडिपेंडेंट है और सेकंड मोमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी परसिस्टेंस मॉडल। इसमें ऐसा होता है, फर्स्ट मोमेंट से इंडिपेंडेंट है, सेकंड मोमेंट से ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर ऑटो कोवेरियंस जीरो हो तो ये गारंटी नहीं है कि सीरीज इंडिपेंडेंट है, यानी कि एप्सिलॉन टी और एप्सिलॉन टी माइनस वन इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिपेंडेंट नहीं है, ये स्क्वायर की टर्म में उससे रिलेटेड है। इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है कि ऑल लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स आर जीरो, तब प्रॉपर इंडिपेंडेंस आएगी। तो लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब यह होता है कि ऑटो कोवेरियंस जीरो होने का मतलब यह होता है कि इट्स जस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि उनमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, नॉन लीनियर हो सकता है। तो अभी देखे ना, नॉन लीनियर आ गया। अगला मेथड कौन सा था? हमें पता चल गया वोलेटिलिटी वाला मसला है। दूसरा मेथड क्या है? RHLM। इसके लिए भी यहीं से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर व्यू में जाएं, बिल्ट इन है।
व्यू में जाएं और व्यू के अंदर रेजिडुअल डायग्नोस्टिक, और रेजिडुअल डायग्नोस्टिक के अंदर आ रहा है हेट्रोसिकेडास्टिसिटी टेस्ट, आ रहा है ना, रेजिडुअल्स के अंदर हेट्रोसिकेडास्टिसिटी टेस्ट, इसको क्लिक करें। इसके अंदर आ रहा है आर्च टेस्ट, उसको भी क्लिक कर लें। अब ये पूछ रहा है कितने लैग्स इंक्लूड करूं। अब ये भी याद रखिए, जब आपके मॉडल एस्टिमेशन का वक्त आए तो फालतू लैग आपने कभी भी नहीं इंक्लूड करने, एक भी लैग एक्स्ट्रा किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। टेस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन टेस्ट में कम लैग्स नहीं इंक्लूड करें कभी भी। तो चूंकि मेरा क्वार्टरली डेटा है, मेरे पास इस वक्त क्वार्टरली डेटा है, तो मिनिमम मैं 4 लैग्स तो करूंगा, 4 लैग्स तो मैं करूंगा कम से कम। आप चाहें तो 1 लैग पे भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा लैग्स पे हमेशा टेस्ट करें। ये टेस्ट है जी, ये आया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, विच इज कॉल्ड एलएम स्टेटिस्टिक। एलएम स्टेटिस्टिक आई है 17 एंड इट शुड बी कंपेयर्ड विद द काय स्क्वायर विद 4 degrees ऑफ फ्रीडम। वो करने के बाद वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ काय स्क्वायर विद 4 degrees ऑफ फ्रीडम इज 0.0019। नल हाइपोथेसिस समझें क्या था, ऑल अल्फाज आर जीरो, उसको एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1%, उसको रिजेक्ट करने का कॉन्फिडेंस मोर देन 99%। तो इस हाइपोथेसिस को मैं क्या करूं, रिजेक्ट। अगर मैं इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगा तो याद रखें, हो सकता है ये हाइपोथेसिस ट्रू हो, मैं गलती से रिजेक्ट कर रहा हूं, तो मैं कौन सा एरर कमिट करूंगा, टाइप 1 एरर। रिजल्ट कह रहा है टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1% है, इवन लेस देन 0.1% है। तो अगर ये बात है फिर कौन से टाइप 1 एरर की इतनी प्रोबेबिलिटी तो होनी है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूं। जब मैंने इसको रिजेक्ट किया, इसका क्या मतलब है, आर्च, क्योंकि हाइपोथेसिस था नो आर्च, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है देयर इज आर्च। ये क्लियर हो गया। ये उसने नीचे वो ऑक्सिलरी रेग्रेशन ये एस्टिमेट की हुई है, रेजिडुअल स्क्वायर इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है और सारे रेजिडुअल्स के लैग्स इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आ जाए इस बात पे कि हमें एस्टिमेट करना है आर्च मॉडल, तो याद रखें आर्च 2 स्टेप नहीं है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया, टेस्ट के लिए हमारी मजबूरी है 2 स्टेप, वो टेस्ट हम करेंगे, लेकिन जब एस्टिमेट करेंगे तो मैंने इसीलिए बॉक्स बनाया कि एंगल के मुताबिक ये एक ही मॉडल है, ये 2 मॉडल नहीं है, ये एक ही मॉडल है, इनको साइमल्टेनियसली एस्टिमेट होना है। हां, पहले तसल्ली कर लें कि मॉडल है कौन सा, ऊपर वाला, इसको कहते हैं मीन मॉडल और इसको कहते हैं वेरियंस मॉडल। तो आपने तसल्ली कर लेनी है कि मीन मॉडल में क्या है और वेरियंस में क्या है। तो मीन मॉडल में तो मैंने कर लिया है AR1 है। वेरियंस के केस में अगर गौर करें तो वेरियंस का केस भी मुझे यहां से नजर आ रहा है, क्या वो ये नजर आ रहा है कि प्रैक्टिकली मैंने 4 लैग्स डाले, यहां से भी नजर आ रहा है कि एक्चुअली सिग्निफिकेंट फर्स्ट लैग ही है अगर गौर करें तो। और अगर मैं कोरेलोग्राम में भी जाऊं तो वहां से भी आपको नजर आएगा स्क्वेर्ड कोरेलोग्राम में कि एक्चुअली फर्स्ट लैग का इशू, ये है थर्ड का लेकिन एक्चुअली फर्स्ट का है, थर्ड का है फिर सेवंथ का है। अच्छा, यहां पे एक और भी अच्छी बात है, ये समझ लें, फिर 14th का भी है, 13th का भी है, ये जो इतने टाइम पीरियड के बाद आते हैं इवन सेवंथ, इनको हम अमूमन इग्नोर करते हैं। क्वार्टरली डेटा में सेवंथ का कोई मीनिंग नहीं है, ये 4th या 8th होता तो मैं इसको कंसिडर करता, क्योंकि क्वार्टरली डेटा है ना, तो 4th या 8th पे सिग्निफिकेंस ऑटो कोरिलेशन है, वो सीजनल ऑटो कोरिलेशन होगी। 7th पे कोई सीजनल भी पैटर्न नहीं बनता, 14th पे या 13th पे कोई सीजनल पैटर्न नहीं बनता, तो ऐसा अमूमन सैंपल एरर की वजह से भी आ जाता है, तो इसको हम अमूमन इग्नोर करते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट वाले हैं, इसमें फर्स्ट और थर्ड किसी हद तक समझने वाला है, लेकिन फर्स्ट तो इन एनी केस सिग्निफिकेंट है। अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट है तो बेसिकली ये आर्च होगा,
गार्श में तो हम जाते ही तब हैं जब एक से ज्यादा कोफिशियंट बन रहे हों या पांच सात कोफिशियंट बन रहे हों, तो यहां हम आज करेंगे, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हम गार्श भी कर लेंगे। ठीक हो गया? इसको एस्टिमेट करने का बहुत ही आसान प्रोसीजर है ये, उसमें वो मैक्सिमम लाइकलीहुड ये वो सारे खुद ही करता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, ये आपका काम है जानना, कर वो देता है। अच्छा जी, ये हमारी थी, कहाँ गई इक्वेशन, इक्वेशन कहाँ गायब हो गई, यही है ये। मैं स्टैट्स में इसलिए वापस जाता हूं ताकि याद रहे ये इक्वेशन एस्टिमेट की थी। ये हमारा मॉडल कौन सा है, AR1, ये मीन इक्वेशन का मॉडल है। इसके एस्टिमेट में जाएं, एस्टिमेट के अंदर मेथड आ रहा है, मेथड ऑफ एस्टिमेशन तक अभी तक हमने उसको नहीं छेड़ा, सुबह से लगे हुए हैं नहीं छेड़ा, वो लीस्ट स्क्वायर ही किए जा रहा था। लेकिन उसके अंदर वो कह रहा है कि लीस्ट स्क्वायर में आप नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वायर और आर्मा मॉडल्स इंक्लूड कर सकते हैं। एमए मॉडल नॉन लीनियर है पैरामीटर्स में, मैंने शुरू बताया था, लेकिन वो इसको इसलिए हैंडल कर लेता है कि ये आइटरेटिव लीस्ट स्क्वायर यूज करता है। अब हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हमें तो आर्च चाहिए, तो आर्च की इसमें ऑप्शन आ रही है ये ऑटो रेग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसिकेडास्टिसिटी। जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा विंडो चेंज हो गई। ये कह रहे हैं मीन इक्वेशन, मीन इक्वेशन का मतलब है वाई की ओरिजिनल इक्वेशन आर्मा मॉडल, वो मैं चूंकि पहले बना चुका था AR1 मॉडल, उसने वही ले लिया है, नहीं भी लिया तो मैं यहां लिख सकता हूं AR1। नीचे वो पूछ रहे हैं वेरियंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वेरियंस के बारे में मेरा यह ख्याल है कि आर्च मॉडल है गार्च, और उसमें गार्च इफेक्ट जीरो कर रहा हूं और आर्च इफेक्ट वन कर रहा हूं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग अभी भी ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसका मीनिंग ये है कि मैं ये टर्म छोड़ के यहां तक मॉडल लिख रहा हूं, समझ आ गई, जस्ट AR1। ठीक है, तो इसको मैंने जीरो कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, मेथड के ऊपर आ रहा है मैक्सिमम लाइकलीहुड आर्च अस्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद BHHH प्रोसीजर, आइटरेटिव प्रोसीजर है ये, और इसके अंदर आपकी 150 आइट्रेशंस की हैं उसने, और वो कह रहा है कि 150 आइट्रेशंस के बाद फर्दर इंप्रूवमेंट कोफिशिएंट्स में नहीं आ रही थी। अब ये आपने जेहन में रखना है, अगर आपकी उसने आइट्रेशंस की ही नहीं है, एक दो के बाद छोड़ दिए हैं, या उसने कह दिया है कि फेल टू कन्वर्ज आफ्टर दिस मच आइट्रेशंस, तो वो आपके रिजल्ट्स ऐसे ही हैं जैसे मीनिंगलेस डस्टबिन में फेंकने वाले। अगर कन्वर्जेंस नहीं अचीव हुई उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम कह रहे हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड मैक्सिमाइज ही नहीं हुआ, कन्वर्जेंस नॉट अचीव का मतलब होता है लाइकलीहुड मैक्सिमाइज नहीं हुआ। तो जब ये कह रहे हैं कि नो फर्दर इंप्रूवमेंट आफ्टर 150 आइट्रेशन, तो उसका मतलब है उसने इस रेग्रेशन को 150 टाइम्स एस्टिमेट किया आइटरेटिव प्रोसीजर से, एंड देयर इज नो फर्दर इंप्रूवमेंट, इसका मतलब है कन्वर्जेंस आ गई है 150 आइट्रेशंस के बाद, तो ये रिजल्ट्स मीनिंगफुल है। रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, रिजल्ट्स ये कह रहे हैं कि आपका AR1 मॉडल मीन का आपने ठीक बनाया था और आपने वेरियंस इक्वेशन का आर्च मॉडल भी ठीक बनाया। अब आगे क्या करना है, आगे सिंपली वही फॉरकास्ट में जाएं और वही स्टैटिक फॉरकास्ट क्लिक करें, तो ये अब वही फॉरकास्ट आर्च मॉडल से आपको करके दे देगा। क्लियर? देखें, आपको अगर कॉन्सेप्ट है कि ये क्या कर रहा है, तो अगली बात ये है कि ये सारा करके दे देगा। ये देखें, मैं एक चीज करता हूं, तो ये देखें, सॉरी, ये फोरकास्ट है और ये वेरिएंस का फोरकास्ट है। आप अब देखें, वेरिएंस में कहीं कहीं वोलेटिलिटी आती है ना, जिस टाइम पे सीरीज वोलेटाइल है उसी टाइम वेरिएंस। अब यहां पे देखें, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत वाइड हो गया, इसका मतलब है ये कह रहा है इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट रिस्की है। यहां पर अगर देखें तो कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो हो गया है, इसका मतलब है यहां पर इन्वेस्टमेंट लेस रिस्की है। यह टाइम आपको बता रहा है, असल में जो डेवलप्ड
मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स, वहां एनालिस्ट बैठे होते हैं और वो यही एनालिसिस कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए, और उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है, बहुत ही अच्छी, सोच भी नहीं सकते। और उनका काम यही है, वो पूरा दिन एनालिसिस करते रहते हैं कब रिस्की है, कब नहीं रिस्की, कब क्या होने वाला है, क्या फोरकास्ट है। ये टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है फोरकास्टिंग का, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। हम सुबह से जो पढ़ रहे हैं, ऑल दिस इज टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि स्टेटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करना इज टेक्निकल और फंडामेंटल होता है कि व्हेन यू बेस योर फोरकास्ट ऑन सम थ्योरी, जैसे हम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के हिसाब से फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखें कब रिस्की है, कब कम रिस्की है, कब रिटर्न ज्यादा होगा, कब कम होगा, ये सारे के सारा इस तरह का एनालिसिस बता रहा है। ये एनालिसिस वो नहीं बता रहा था जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, वो इस टाइम भी वैसा ही वेरियंस फोरकास्ट करता था जैसा आम टाइम में फोरकास्ट हो रहा हो। ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। आज में समझ आ गई, हमने एक डिफरेंट चीज फोरकास्ट कर ली। नीचे वाला ग्राफ ये तो फोरकास्ट एरर वेरियंस है ना, फोरकास्ट ऑफ वेरियंस बता रहा है ना, वही जिस वेरियंस की बेस पे देखे ना आप, दो चीजें वो फोरकास्ट करेगा, एक वाई को फोरकास्ट करेगा सीरीज को, एक उसके वेरियंस को फोरकास्ट करेगा। अब जरा आप देखें वेरियंस का फोरकास्ट, सुबह हम अजम्पशन ले रहे थे, ये फिर सोचें सुबह हम अजम्पशन ले रहे थे सिग्मा इज कांस्टेंट, अब वेरियंस का फोरकास्ट आया मुझे बताएं ये कांस्टेंट है, जहां मार्केट स्मूथ है या यहां वेरियंस कांस्टेंट है, जब मार्केट वोलेटाइल है तो फिर वेरियंस भी शो कर रहा है। दिस इज फोरकास्ट ऑफ वेरियंस। ये एडिशनल चीज आर्च में हमें मिलती है, ये सिंपल मॉडल्स में नहीं मिलती। अब एप्लीकेशन के हवाले से एक बात कि क्या ऐसा हमेशा आर्मा मॉडल के साथ होता है? नहीं, किसी की रिग्रेशन के एरर्स आर्च प्रोसेस हो सकते हैं। जब आपका डेटा टाइम सीरीज है तो किसी किस्म की रेग्रेशन के एरर्स आर्च प्रोसेस हो सकते हैं। मसलन हम जो सिंपल रेग्रेशन करते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस u, वो वाली जो रेग्रेशन एस्टिमेट करते हैं उसके एरर्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ओवर टाइम उसका वेरियंस कांस्टेंट ना हो। ये सिर्फ आर्मा के लिए नहीं है, तो वो आप फोरकास्टिंग नहीं भी कर रहे, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट टाइप डेटा यूज कर रहे हैं तो आपको आर्च टेस्ट हर सूरत में करना पड़ेगा, चाहे सिंपल रिग्रेशन क्यों ना हो। क्लियर हो गया? अगर मुझे इसको मैं हटा दूं और ये एस्टीमेट करना हो तो फिर क्या तरीका है? वापस एस्टीमेट में जाएं और आर्च को जीरो कर दें और गार्च को वन कर दें। ये ऐसे ही है कि ये मैंने रख लिया, इसको उड़ा दिया। तो जो ही मैंने ये मॉडल एस्टिमेट किया तो उसने गार्च को हाईली इनसिग्निफिकेंट, ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी वन है, हाईली इनसिग्निफिकेंट दिया है। इसका मतलब है क्लियरली यहां प्रोसेस था ही आर्च, गार्च था ही नहीं। समझ आ गई? और मैं वैसे ही आपकी तसल्ली के लिए, मेरा अंदाजा पहले ही आर्च था, मैंने आपको कहा था गार्च लेके ही तब आना है जब बहुत सारे लैग्स हों, नहीं तो उस टेंशन में ना पड़े। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं आर्च गार्च दोनों को वन वन कर देता हूं ताकि ये पूरी इक्वेशन एस्टीमेट हो जाए। तो जब पूरी इक्वेशन एस्टीमेट की फिर भी दोनों इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि इसके मॉडल में प्रेजेंस फायदा तो नहीं दे रही, नुकसान दे रही है। बात समझ आ गई? तो इसलिए हमारा प्रॉपर मॉडल आर्च वन ही है, ये वाला, यानी कि ये जीरो है। सही हो गया? अब समटाइम्स, अच्छा इस पूरे मॉडल में एक अजम्पशन है पूरे आर्च गार्च फैमिली में, ये पूरी फैमिली है, इसके अंदर एक इशू है, ये हमेशा याद रखना। इसके सारे पैरामीटर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं कि वो पॉजिटिव होंगे, हालांकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना। ये मॉडल इस तरह हुआ हुआ है कि इसके रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं हम एस्टिमेशन के वक्त कि दे कैन कांट बी नेगेटिव। वजह यह है कि अगर आप नेगेटिव वैल्यूज अलाउ कर दें कोफिशिएंट की तो वेरियंस नेगेटिव हो सकता है,
तो वेरिएंस तो नेगेटिव नहीं होता, हमारा मॉडल के मुताबिक वेरिएंस नेगेटिव हो सकता है जो कि गलत है। तो इसलिए हर आर्च गार्ड फैमिली में ये रिस्ट्रिक्शन है कि उसके पैरामीटर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे सिवाय एक फैमिली मेंबर के जो कि ई गार्ड है। ई गार्ड वायद ऐसा फैमिली मेंबर है जिसमें कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकते हैं, उसकी रीजन मैं बताता हूं। अदरवाइज जो है वो सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, तो ये अल्फा नॉट अल्फा वन पॉजिटिव है, ये अल्फा नॉट अल्फा वन बीटा वन सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये कोफिशिएंट्स नेगेटिव आएंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए देख लें ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इनके अंदर, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये रिस्ट्रिक्ट हम खुद करते हैं, ये भी उसकी प्रोग्रामिंग में ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं थियोरेटिकली, क्यों, अदरवाइज देयर आर चांसेस दैट एचटी बिकम्स नेगेटिव, इसके नेगेटिव की वजह से एचटी नेगेटिव हो सकता है, तो वेरिएंस कैसे आप नेगेटिव करेंगे, सही हो गया। अब एक चीज मुझे बताएं कि इस गार्च 1-1 को, वो कि हमारे केस में तो गार्च 1-1 नहीं आया, लेकिन अगर गार्च 1-1 को मैं मान ही लूं कि मेरा ये मॉडल था, अगर मैं इसको मान लूं, तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि अल्फा नॉट पॉजिटिव है, अल्फा 1 पॉजिटिव है, बीटा 1 पॉजिटिव है, इनफैक्ट ये 0 और 1 के दरमियान होते हैं, और एक रिस्ट्रिक्शन और भी है कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 भी लेस देन 1 होते हैं। समटाइम्स वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा परसिस्टेंट होती है कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्लोज टू 1 हो जाते हैं, अब ये समझे, मोस्टली ये लेस देन 1 होते हैं, जैसे वहां देखें अल्फा 1.17 आया, ये 0.3 आया, ये अमूमन लेस देन 1 आते हैं, जब तक कि इतनी स्ट्रांग परसिस्टेंस ना हो जाए कि अल्फा 1 और बीटा 1 मिलके 1 के करीब चले जाएं, अगर ये चले जाएं, तो फिर हम मोस्टली ये करते हैं कि बजाय उनको एज फ्री पैरामीटर एस्टीमेट करें और 1 के करीब आए, हम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देते हैं एस्टिमेशन में, कि जैसे हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना कि ये नेगेटिव नहीं हो सकते, हम एक रिस्ट्रिक्शन और लगा देते हैं कि ये दोनों मिलके 1 भी हैं। ये तब किया जाता है जब बहुत स्ट्रांग परसिस्टेंट वोलेटिलिटी हो, यहां ऐसी नहीं है, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा जब आपको आर्च के साथ गार्ड टर्म भी सिग्निफिकेंट आ रही हो और कोफिशिएंट उनके मिला के 1 के करीब आ रहे हो, तब ऐसा करना पड़ता है, सही। अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन इस मॉडल के ऊपर, चाहे आप ये मॉडल, नहीं ये तो है ही नहीं, आप ये मॉडल एस्टिमेट कर रहे हो और उसमें जस्ट ये रिस्ट्रिक्शन ऐड कर रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी है, कैसे, अल्फा 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, अल्फा 1 इज बिटवीन 0 एंड 1, बीटा 1 इज बिटवीन 0 एंड 1, सम ऑफ अल्फा 1 एंड बीटा 1 इज लेस देन 1, ये अजम्पशंस ऑलरेडी है। अगर इस अजम्पशन में हम एक रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दें कि अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों मिलके 1 है और ये रिस्ट्रिक्शन एस्टिमेशन में लगा दें, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस मैक्सिमम लाइकलीहुड में आप पुट कर सकते हैं, तो फिर ये जो आई, ये जो गार्च 1-1 था, ये बन जाता है आई गार्च 1-1, बस ये इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसीजर यही है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन ऐड करनी है कि जो अल्फा 1, ये तब पॉसिबल है जब आपका गार्च टर्म हो, हमारे केस में तो टर्म ही सिर्फ आर्च है ना, उस पर मैं क्या पुट करूं, तो अगर गार्च टर्म हो और स्पेशली 1-1 गार्च 1-1 के अंदर अल्फा 1 और बीटा 1 का सम 1 के करीब आ रहा हो, तो फिर आप ये रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गार्च प्रोसेस। आर्च है ऑटो रेग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसिकिड एलास्टिसिटी, गार्च है जनरलाइज्ड ऑटो रेग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसिकिड एलास्टिसिटी, और ये आई गार्च इंटीग्रेटेड जनरलाइज्ड ऑटो रेग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसिकिड एलास्टिसिटी। अगर आपको गार्च समझ आ गया है तो ये उसमें सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन का इजाफा है, क्या, इंटीग्रेटेड गार्च। अब ये 1 होने से इंटीग्रेटेड गार्च क्यों हो जाता है, यंग कल गार्च में नहीं यूनिट रूट में पढ़ेंगे, लेकिन सुबह ये मैंने पढ़ ली, बता दिया था कि अगर एक कैरेक्टरिस्टिक रूट 1 हो जाए तो
तो ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस हो जाता है जिसको हम यूनिट रूट कहते हैं। तो ये भी तो वही हो रहा है, अल्फा वन प्लस बीटा वन वन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गार्ज। सही हो गया। छोटी छोटी एक दो एक्सटेंशन हैं, कल यानी तंग करेंगे, हमारा ज्यादा टाइम ले लेंगे, अभी क्विकली हो जाएंगे। क्या थोड़ा स्टेमिना पैदा करें यार। माशाल्लाह यंग लोग हैं। अच्छा जी, क्या करें, छोटी छोटी एक दो एक्सटेंशन कर लेते हैं। क्या समटाइम ऐसा होता है कि हम अभी तो ये देख रहे हैं कि कभी मार्केट वोलेटाइल कभी स्मूथ। अब प्रैक्टिकली मार्केट में एक प्रॉब्लम है, ये ठीक है वोलेटाइल होती है मार्केट, कभी स्मूथ होती है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को जानते हैं या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का आपको आइडिया है तो याद रखें फाइनेंशियल मार्केट्स में पॉजिटिव न्यूज कम रोल प्ले करती है, नेगेटिव न्यूज ज्यादा करती है। मार्केट ऊपर ग्रेजुअली जाती है, क्रैश एकदम से होती है, ऐसा होता है या नहीं होता, खबरों में तो सुनते ही होंगे। हमने इस चीज को इसमें मॉडल नहीं किया, हमने ये तो मॉडल कर लिया कि वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, हमने ये मॉडल नहीं किया कि नेगेटिव वैल्यूज का बड़ा वेरिएंस है और पॉजिटिव का छोटा है। ये पॉइंट समझ आए, छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपका नेगेटिव न्यूज है तो ज्यादा इफेक्ट है वेरिएंस पे, और अगर कम है तो, यानी कि आप इसको यूं समझ लें कि अगर आपका इधर ये जीरो लूं और इधर नेगेटिव, ये एप्सिलॉन की वैल्यूज हैं, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, यानी कि ये नेगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए, ये पॉजिटिव न्यूज है। अगर एप्सिलॉन जीरो हो तो कोई ना कोई वेरिएंस होता है, मैं इसको कह देता हूं एच, कंडीशनल वेरिएंस। तो फॉर एग्जाम्पल जब एप्सिलॉन जीरो हो तो वेरियंस इतना है, कोई ना कोई होगा। अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव हो तो याद रखें रिस्क सिर्फ नेगेटिव को नहीं कहते, स्टेबल मार्केट जब होती है तो स्टेबल है, जब शॉक्स आ रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे आते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूं, जिसको इस मॉडल में मैंने मॉडल नहीं किया, ये जो मैं मॉडल कर रहा हूं, इस मॉडल में हमारी अजम्पशन ये थी कि इधर भी वेरियंस यूं बढ़ेगा और इधर भी वेरियंस यूं बढ़ेगा, ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है, यू बनाए ना प्रॉपर, यानी कि दोनों साइड पे एक जैसा वेरियंस है, एक जैसा वेरियंस। ये अजम्पशन होती है गार्ज के अंदर, यानी कि चूंकि हमने ले लिया एप्सिलॉन स्क्वायर, तो एप्सिलॉन स्क्वायर पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो, अगर मैग्नीट्यूड एक जैसी है तो आंसर एक जैसा आएगा। इसका मतलब है इंप्लिसिटली हमने अस्यूम किया कि मार्केट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव शॉक्स एक जैसे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ये होता है कि अगर आपका इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है और ये जीरो है और ये वेरियंस है और ये जीरो के वक्त वेरियंस है, तो होता यह है कि पॉजिटिव शॉक के केस में वेरिएंस यूं बढ़ता है और नेगेटिव शॉक के केस में वेरिएंस यूं होता है। क्या मतलब, नेगेटिव न्यूज एकदम अनसर्टेनिटी बढ़ाती है, थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आएगी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऐसा होता है मार्केट में या नहीं होता है। इसको बोलते हैं एसिमेट्री इन वोलेटिलिटी। ये देखें ना, ये सिमेट्री है, ये आईना है, दोनों तरफ एक जैसी स्टोरी है, यहां ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ये एसिमेट्रिक है रिलेशनशिप। ये जो एसिमेट्री है हम इसको गार्ज में मॉडल कर सकते हैं बड़े आसानी से। बात फिर समझें, अनसर्टेनिटी कहते किसको है मार्केट में, न्यूज को। एक खबर आती है मार्केट इधर से उधर चली जाती है, अगर आप स्टॉक मार्केट में कभी दो मिनट के लिए बैठे आपको पता चले क्या होता है, और जब नेगेटिव न्यूज आती है उससे ज्यादा स्पीड से मार्केट वोलेटाइल होती है। अगर ये बात है तो फिर ये जो अजम्पशन है आर्च और गार्ज की, ये गलत है। एक्चुअली यूं होता है,
इसको बाय द वे फाइनेंस में लिवरेज इफेक्ट कहते हैं, लिवरेज इफेक्ट। उसकी रीजन है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर रहा, टाइम हमारे पास कम है, लिवरेज इफेक्ट। लेकिन होता है ऐसा, अगर ऐसा होता है तो इसको हमें मॉडल करना हो तो ये बड़ा आसान सा काम है। अगर आपने गार्च मॉडल ही बनाना था, आर्च बनाई या गार्च उसमें मैं नहीं पढ़ रहा, मैं इसी को ले रहा हूं गार्च वन वन को। अगर ये गार्च वन वन है मेरा मॉडल, तो अगर मैं एच टी को यू बना दूं एल्फा नॉट प्लस एल्फा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर प्लस लैम्डा वन इंटू एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर इंटू डमी वेरिएबल प्लस बीटा वन इंटू एच टी माइनस वन, बस इतना सा फर्क किया मैंने कि इस मॉडल में सिर्फ एक डमी वेरिएबल के साथ उसको ऐड कर दिया एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर, और डमी वेरिएबल में इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि डमी इज इक्वल टू वन फॉर एप्सिलॉन लेस देन जीरो और ये जीरो है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। यानी कि पॉजिटिव न्यूज के लिए जीरो, पॉजिटिव न्यूज के लिए जीरो और नेगेटिव न्यूज के लिए मैंने वन कर दिया डमी वेरिएबल को, बस इतनी सी बात है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि व्हेन एप्सिलॉन इज नेगेटिव देन एप्सिलॉन टी माइनस वन स्क्वायर इज पॉजिटिव। एप्सिलॉन नेगेटिव भी हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो इफेक्ट ऑफ एप्सिलॉन ऑन एच टी इज एल्फा वन प्लस लैम्डा वन। कोफिशिएंट नेगेटिव हो नहीं सकते, स्क्वायर में वैसे कोई चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सिर्फ डमी वेरिएबल एप्सिलॉन नेगेटिव से बना है, बाकी सब पॉजिटिव है। व्हेन एप्सिलॉन इज पॉजिटिव देन वी हैव अल्फा वन। तो चूंकि पॉजिटिव न्यूज के लिए ये इफेक्ट और नेगेटिव न्यूज के लिए ये इफेक्ट, और चूंकि लैम्डा वन पॉजिटिव है तो ये इफेक्ट इससे बड़ा है, बड़ा आ जाएगा ना। तो वही मॉडल है, सिर्फ हमने एक डमी वेरिएबल ऐड कर दिया और वो डमी वेरिएबल नेगेटिव न्यूज के लिए बनाया, और नेगेटिव न्यूज के केस में अब इफेक्ट बढ़ जाएगा और पॉजिटिव के केस में अल्फा वन रह जाएगा। अगर मैं यू करता हूं, ऐसा गार्ज के साथ करता हूं तो इसे बोलते हैं टी गार्ज, और अगर आर्च के साथ करता हूं तो इसे बोलते हैं टार्च, टी फॉर थ्रेशोल्ड, टी फॉर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या है मेरा, जीरो। नेगेटिव न्यूज जब एप्सिलॉन लेस देन जीरो, पॉजिटिव न्यूज जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो मेरा थ्रेशोल्ड है ना। तो थ्रेशोल्ड के साथ हमने एक चीज ऐड कर दी, बात समझ आ गई। क्या ये अकेला तरीका है एसिमेट्री को मॉडल करने का? नहीं, एसिमेट्री को मॉडल करने का एक छोटा सा तरीका और भी है। ये थ्रेशोल्ड मॉडल है, अच्छा वही ही यूज है, सारा कुछ वही है, डमी वेरिएबल ऐड करना है बस। दूसरा तरीका कि इस ना, ये नॉन लीनियरिटी कहलाती है एसिमेट्रिक रिलेशनशिप, थ्रेशोल्ड रिलेशनशिप। तो या तो इस एसिमेट्रिक रिलेशनशिप को डमी डाल के कैप्चर कर लें, या एक दूसरा तरीका वो ये है, वो डिफरेंट है सबसे। लॉग एच टी, एच का पहली लॉग लेते ले लेते, मैं समझाता हूं। ये चूंकि डिफरेंट इकोनोमेट्रिशियन ने सॉल्यूशन सजेस्ट किया ना, इसलिए हर एक के डिफरेंट है। एक ने कहा डमी डाल दें तो थ्रेशोल्ड कैप्चर हो जाएगा, दूसरे का डमी नहीं डालें ये काम करें, कर ले फिर मैं बता दूं इसका फायदा क्या। कहते हैं ये मॉडल बना दे, क्या कि लॉग ऑफ वेरिएंस इज अ फंक्शन ऑफ
सेम वेरिएबल, कोई वेरिएबल्स नए नहीं। सिर्फ एक चीज, इसने स्क्वायर नहीं लिया, और स्क्वायर ना लेने की रीजन है बाय द वे एप्सिलॉन ओवर एच होता क्या है? अच्छा, एच के ऊपर स्क्वायर रूट भी है। चलिए अब आपको क्लियर हो जाएगा, एप्सिलॉन ओवर एच स्क्वायर रूट क्या है? एच वेरिएंस है, तो स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वेरिएबल के ऊपर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर रहे हैं, और ये वेरिएबल वो है जिसका मीन जीरो है, इसका मतलब मीन भी माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका स्टैंडर्डाइज्ड एप्सिलॉन हो गया, ये स्टैंडर्डाइज्ड एप्सिलॉन है। अब इस मॉडल का फायदा क्या है? इस मॉडल का फायदा ये है, ये वाइड मॉडल है जिसमें अल्फाज बीटास को पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं। वजह यह है कि हम लॉग एच को मॉडल कर रहे हैं, तो लॉग एच नेगेटिव भी आ जाए उसका एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होगा, हमने तो एच निकालना है ना, तो लॉग लेने का फायदा यह हुआ है कि आप रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं, नंबर वन, बल्कि उसकी जगह क्या होगा कि अब आपका लॉग एच नेगेटिव भी आ गया तो एच पॉजिटिव होगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। नंबर टू, जब आप स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल लेके आ जाते हैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन स्क्वायर रेजिडुअल के मुकाबले में सिंपल हो जाती है, कि जब न्यूज को ये हो रहा हो तो इफेक्ट ये आएगा, किसी वेरिएबल का स्क्वायर करके उसकी इंटरप्रिटेशन मुश्किल होती है, ये सिंपल इंटरप्रिटेशन है, सिंपल ये है। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि वेन एवर एप्सिलॉन इज नेगेटिव, वेन एप्सिलॉन इज नेगेटिव, देन वी हैव a coefficient alpha 1 plus lambda 1, नहीं, अगर epsilon positive होगा, और अगर epsilon negative होगा, अच्छा पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इनके कोफिशिएंट्स ये हैं अल्फा। अच्छा पॉजिटिव के केस में ये और ये एक ही टर्म है, अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है, नीचे तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो तो पॉजिटिव, तो ऊपर एप्सिलॉन है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये और ये भी टर्म है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा अल्फा वन प्लस लैम्डा, और अगर एप्सिलॉन नेगेटिव हुआ तो फिर क्या होगा, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये रह जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये रह जाएगा नेगेटिव, तो प्रैक्टिकली ये बन जाएगा लैम्डा वन माइनस अल्फा वन, सही है ना, अल्फा नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव, अल्फा तो जो आएगा सो आएगा, हम उसके इस वैल्यू की बेस पे नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, अल्फा का एस्टीमेट हो गया है, क्योंकि इफेक्ट डिफरेंट हो गया है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव शॉक और नेगेटिव शॉक का इफेक्ट डिफरेंट हो गया, और इसके साइन ऑलमोस्ट बता रहे हैं कि यहां पे, खैर ये अल्फा वन जब नेगेटिव शॉक आएगा तो उसका कोफिशिएंट भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट कोफिशिएंट डिफरेंट हो गए हैं, प्रैक्टिकली जब आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि नेगेटिव शॉक के केस में कोफिशिएंट बड़ा है। अगर ये मॉडल आप करते हैं एसिमेट्री के लिए तो ये कहलाता है ई गॉज, एक्सपोनेंशियल गॉज, ये क्या कहलाता है, ई गार्च, एक्सपोनेंशियल गार्च। ये देखें, ये सारी ऑप्शंस आपको दे रहा है, थ्रेशोल्ड पूछ रहा है देना है नहीं देना, आर्च क्या है, गार्च क्या है, मॉडल के अंदर वो पूछ रहा है ई गार्च तो नहीं एस्टीमेट करना, सही, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको देता है, हमने इसकी फैमिली में बहुत सारी चीजें आज पढ़ ली हैं, कौन कौन सी, आर्च, गार्च, आई गार्च, टार्च, टी गार्च, ई गार्च, सही, मेन जो है वो एक और रह गया है, वो भले कल पढ़ लेना, एक और रह गया, वो है आर्च एम मॉडल, आर्च इन वी, आर्च एम मॉडल, ये बहुत स्टॉक मार्केट में यूज होता है, आर्च एम क्या है, आर्च इन वी,
आर इन मीन, सही है। बाय द वे इसका क्या मतलब होगा, आर इन मीन, जब सीरीज के मीन में आर्थ प्रोसेस घुस जाए, यानी कि सीरीज का मीन उसके वेरिएंस पे डिपेंडेंट हो जाए, तो ये बन जाता है आर्च इन मीन। तो आप मुझे बताएं, वैसे कोई एग्जांपल नहीं इधर नहीं लिखता, आप थक गए हैं, मुझे वैसे बताएं ऐसी कोई एग्जांपल है जिसमें मीन वेरिएंस पे डिपेंडेंट होता है। स्टॉक मार्केट से एग्जांपल दो, ऐसा होता है जब कोई बंदा रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई चाहिए होता है फॉर कंपेंसेशन, ऐसा होता है। तो कंपेंसेशन के लिए अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मीन रिटर्न है, एक्सपेक्टेशन मीन वैल्यू होती है। तो मीन रिटर्न ज्यादा चाहिए अगर मार्केट में रिस्क है, तो जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना मीन रिटर्न भी ज्यादा चाहिए होगा। तो मीन इज फंक्शन ऑफ रिस्क, तो रिस्क का मेजर वेरियंस है, सो मीन इज फंक्शन ऑफ वेरियंस, सही है। ये कहलाता है आर्च इन मीन। मुझे पता है आपकी किस्मत में इसकी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि कल से और बड़े काम है, सही है। मुझे लिखने में मसला नहीं है, लेकिन आप कुछ दे रहे आप बता रहे हैं बस। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना, आर्च इन मीन, आर्च एम मॉडल कहलाता है। ये ई व्यूज में अभी भी आपके सामने है, कहीं आ रहा है, किधर गया, इधर पहले अलग से देता था, पता नहीं। ये देखें रिस्ट्रिक्शन में कह रहा है वो कि आपने आई गार्च बनाना है, वो मैंने कहा था ना एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करनी है, तो आप आई गार्च क्लिक करेंगे वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देगा। इसी तरीके से यहां आर्च एम की भी कोई ऑप्शन ये पड़ी है, सॉरी आर्च एम, सही है ना। तो वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि आपका मीन वेरिएंस का फंक्शन है या स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन है या नन, नन का मतलब है आर्च एम नहीं है, ठीक है। चलें, थैंक यू। कल इंशाल्लाह कल का एजेंडा सुन लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। कल मैं सुबह पहले सेशन में एस वार करूंगा, स्ट्रक्चरल वार। वजह यह है कि वार मल्टीवेरिएट है बट इट इज फॉर स्टेशनरी वेरिएबल, तो चूंकि आज से हम स्टेशनरी चला रहे हैं तो मैं इसी के ऊपर काम करूंगा। दूसरे सेशन में मैं नॉन स्टेशनरिटी यानी कि यूनिट रूट टेस्ट और रैंडम वॉक मॉडल्स और इन पे जाऊंगा, और तीसरे सेशन में इंशाल्लाह उन रैंडम वॉक मॉडल्स की बेस पे जो मल्टाई वेरिएट बनेगा फिर, यानी कि को इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट उन पे जाऊंगा। यार सेव कर लेना कहीं भी कर। ना जमा ऑफिस के Yeah, the datum pakka.